कल्याण नहीं कर सकता। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी आत्म कल्याण करेगा। ऐसे कोई नाम लेते रहिए, कोई नाम अपने युग में सब ठीक थे। त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में, सतयुग का सतयुग और कलयुग का कलयुग। जब आपकी रामायणी में लिखा है कि कलयुग योग न जग न ज्ञान, कलयुग में योग जग ज्ञान कुछ नहीं, इसको निषेध कर दिया रामायण ने, बिल्कुल निषेध किया। एक आधार नाम, वो नाम कौन सा है ये आपको नहीं मालूम, इसी को तो आप नहीं जानते। तो इसलिए शंका मत किया करो। ये जिस देश में आप रह रहे हो ये आपका देश नहीं है, ये आपका नहीं है, परदेश है। इस मुसाफिरी में आप यात्रा में हो और कहते हो मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये धोखा हो जाएगा, आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए परदेश है, अपने देश के सोचने की विचार करो। और आपका जो देश है इन जीवात्माओं का, वो कैसा देश है? तो एक छोटी सी प्रार्थना बोलो, हम उसका आपको संकेत देंगे। एक छोटी प्रार्थना बोलो, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। सत्य गुरु सतना तुम कोला को परनाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करता तुम कोला को परनाम, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करता तुम कोला को परनाम, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करता तुम कोला को परनाम।
नील नील शशि भान उतारे। नील नील शशि भान उतारे। रोम रोम में कर उजारे। रोम रोम में कर उजारे। अनामी पुरुष करता तुम कोला तुम पर नाम। अनामी पुरुष करता तुम कोला तुम पर नाम। तुम कोला तुम पर नाम। बच्चे और बच्चियों, ये अंधकार का देश है, अज्ञान का। तुम्हारा देश है जहां कभी रात होती नहीं, न कभी दिन होता, न ये पृथ्वी है, न आसमान है, और न ये, और न दुकानें, न खेती है। इन आत्माओं का ऐसा उज्जवल पवित्र आनंद का अथाह समुद्र, अथाह देश, आप उसको छोड़कर यहां परदेश में कैसे आए वो तो आपको तो मालूम है। अगर मनुष्य शरीर में आप इतना ही किसी से पूछते कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे कहां जाना, मैं यहां क्या ढूंढ रहा हूं, तो शायद हो सकता है कि कोई न कोई मिल जाता तो इसका पूरा पूरा पता आपको बता देता। लेकिन आपने कभी तलाश नहीं की, कभी खोज नहीं की आपने, बस ऐसे ही पराए देश में आकर कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा ये मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये कारखाना मेरा है, इसी में हल्ला गुल्ला मचाने लगे। सही बात यह है कि आपका आप परदेशी हो, ये मानव शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने आपने पुण्य किए होंगे और वो पुण्य जमा हुए होंगे जो मनुष्य शरीर पाने के इतने दिनों के बाद आपको अब ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया। मकान मालिक ने ये आपसे कहा है कि देखो ये मकान है मेरा, मैं शुद्र पवित्र तुमको देता हूं, स्वच्छ, इसमें जीवात्मा बंद है। दो काम इसको दिए गए हैं, एक अच्छा काम एक बुरा काम। अच्छे और बुरे काम को दोनों को समझ लेना अच्छी तरह से। ऋषि मुनि महात्मा गांव गांव घूमते रहते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये अच्छा काम ये बुरा काम, बुरे काम से दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमार होगे, रोगी होगे, लूले होगे, अंधे होगे, बहरे होगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे। इस बुरे काम से चार खानों में, 84 लक्ष योनियों में और नरकों में जाओगे। ये अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो दो चीजें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसी को समझने की। तो महात्मा हमेशा सचेत गांव गांव में सबको कराया करते थे, तो कोई आदमी धोखा नहीं देता था, बेईमानी नहीं करता था,
झूठ नहीं बोलता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, चोरी डकैती नहीं करता था, किसी को मतलब ये कि कत्ल नहीं करता था, सीना चोरी नहीं, दगेबाजी नहीं, सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के काम आते थे और प्रेम से अपने घर में अपने बच्चों की परिवार की सेवा करते थे। सब में एक दूसरे में प्यार था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी और जरूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे के काम आते थे। और वो महात्मा आते थे कभी, देखो मनुष्य मंदिर है, ये अमूलक थोड़े दिन के लिए तुमको दिया गया, उसने कहा है कि मैंने थोड़े दिन के लिए दिया तो तुम ऐसा करो कि उसके दिए हुए अनमोल मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगा लो और उस परम पिता उस प्रभु के पास पहुंचा दो। कभी आपने सोचा ये मनुष्य मंदिर है थोड़े दिन के लिए आपको उसने दिया, काहे पर दिया, किराए पर, तो आप क्या कर रहे हो? ये सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये मकान बना रहे हो, जमीन है, कारखाना है, दुकान है, घर में सब सामान ले आते हो, अनाज है, फल है, सब्जी है, कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, इसको रखो, ये तेरा है, ये आपका है। इतनी आपको बुद्धि दी गई और उससे आपने जरा भी नहीं समझ, ये आपका है, ये आपका है, तो किराए पर आपको मिलाइए, ये आपको अनमोल, ये थोड़े दिन के लिए मनुष्य शरीर ये किराए पर दिया, ये सारे संसार का सोना और चांदी एक थाली में रख करके और ऐसे करो कि तुम पर चढ़ा दिया जाएगा, सब तुमको दे दिया जाएगा और तुम खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो जाए, ये सोना चांदी से खड़ा कर लेगा, ये किराए का मकान है अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है और थोड़े दिन के लिए आपको मिला। तो आप करते खेती करते, दुकान दफ्तर का काम करते, जो कुछ भी ले आते अनाज सब्जी फल की उसको आप खाते, कपड़े पहनते, मकान में रहते, झोपड़ी में रहते, आपको मना नहीं, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि ये किसका है, ये इसका है किराए के मकान का, ये सारा सामान इसका किराए का मकान का है, इसमें जीवात्मा का कोई सामान नहीं। तो जैसे ही समय पूरा हुआ आप तो इसमें लग गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मारकाट में, इसमें लूट में, इसमें गाली गलौज में, इसमें, तब तक आपका समय अमूल्य खत्म हो गया, उसने वारंट काट के दे दिया, ये लो जाओ लल्लू सिंह, ये दीनदयाल, ये रामनाथ, श्यामवती, लीलावती, नूरजहां, ये मोहम्मद नूर, इनका वक्त समय पूरा हो गया, जाओ अभी कागज ले जाओ, मकान खाली कराओ। तो सिपाही दौड़ पड़ेंगे, तुम अमेरिका में बैठे हो, चीन में हो, उससे उनको कुछ मतलब नहीं, यहीं से आवाज देंगे तो चीन में आवाज फौरन जैसे तोप लगती है, बम के गोले धड़ाक से लगेगी, आप उलट जाओगे जमीन पर, आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे और बुद्धि पागल हो जाए, गिर जाओगे, लोग दौड़ पड़ेंगे, तुमको कहेंगे भाई अभी तो तुम ठीक खड़े थे लेकिन अब कुछ नहीं, ना तुम देख सकते हो, ना बोल सकते हो और ना सुन सकते हो, ना समझ सकते हो। वो कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, ये समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। तो क्या करेंगे सिपाही, ये मन को, बुद्धि को, चित्त को और प्राणों को, और वो जो चेतन जीवात्मा है जिसको रूह कहते हैं, वो शरीर से निकाल बाहर, ये शरीर ऐसे गिर जाएगा, ये पड़ा, ये जमीन पड़ा, जितना सामान तुमने आराम खराब तमाम दुनिया का इकट्ठा किया, ये सब, ये पड़ा, ये सब सोना चांदी मकान जमीन ये सब पड़े, जो घर में सामान रखा और जिसने इकट्ठा किया ये पड़ा, ये इसके काम नहीं आएगा और ये इसके काम नहीं आएगा, आपका। अब ये बताओ कि आपने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जीवात्मा जो इससे निकाल दी जाएगी उसके लिए आपने कौन सा धन कमाया, जो उसकी समय पर कोई भी रक्षा देखभाल संभाल नहीं करेगा तो उसके लिए क्या कमा के रखा, उसके लिए तो कभी आपने सोचा ही नहीं। इसके लिए अरे भाई ये तो किराए का मकान है, ये सामान
इसकी हिफाजत रक्षा संभाल के लिए, तो इसकी संभाल करो, रक्षा करो, कपड़े दो, खाना दो खूब अच्छी तरह से, और दवा दो, मकान में रहो, कौन मना करता। लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ तो 23 घंटे तो करो इसके लिए मेहनत, और 1 घंटे अगर तुम समय बचा करके जीवात्मा के धन के लिए मेहनत करके तो आत्म कल्याण ही हो जाता। ये जीवात्मा वो सागर रूपी नदी से पार उतर जाती तो वे जलमती भरती तेरा देश है, कहते मेरा राज है, ये मेरा पूरा गांव है, ये सब तो इसी में लगे रहे आप, तब तक समय पूरा उनका निकलो, चलो निकाल बाहर कर दिया, अब तुम्हारा गांव है। तो बच्चा कहेगा मेरा, उसका भी समय होगा, चलो निकलो। अरे आपका घर गांव है, खेती परदेश में, दूसरे देश में आप अपनी चीजें मार रहे हो दूसरे की, और कहते हो कि मेरा घर है। जब घर तुम्हारा है तो तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों इससे निकल के चले गए, तो आपको पता भी नहीं कहां गए, कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुमने अपने घर को छोड़ा, वो यहां मारे मारे फिर रहे हो, और आपको अपना घर नहीं मिल रहा, अपना देश नहीं मिल रहा, अपना प्रभु नहीं मिलता, अपना आनंद नहीं मिल रहा, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति नहीं मिल रही है, उससे आप वंचित तो ढूंढ क्या रहे हो, आप आनंद ढूंढ रहे हो, खेती में मिल जाएगा, पैदा करेंगे तो खूब खाएंगे, रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे, उसमें आनंद मिलेगा, कपड़े ले आएंगे, आंखों से देखेंगे खूब, कानों से सुनेंगे, जिभ्या से स्वाद लेंगे, इंद्री का स्वाद, इसमें क्या ढूंढ रहे हो, आनंद, तो इसमें आपको मिला, इतनी मेहनत की आपने, तो ये क्या है, क्षणिक ठंडक है, आनंद तो मुबारक हो गया, उसी की तो तुम तलाश कर रहे हो, जिस आनंद को छोड़ करके आए हुए हो उसी को ढूंढ रहे हो, कि राजपाट में, धन दौलत में, इसमें सुंदरता में, इसमें उसमें कहीं मिल जाए, तो सब छोटे बड़े उसी की तलाश कर रहे, और दो रहे, जब राज में चले गए तो कुछ नहीं, इसमें चले आए धन दौलत में तो उसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, कुछ है नहीं, इसमें नहीं है बच्चा, यहां कहां मिलेगा, यहां तो उसी है ही नहीं, जहां तुम ढूंढ रहे हो जंगल है, ये भूल भरम का, ये बियाबान अंधकार अज्ञान का जंगल है, इसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, कोई महात्मा कोई फकीर मिलते तो आपको मनुष्य रूपी मंदिर में सीधा जिस रास्ते से जीवात्मा आई उसी रास्ते से वापस बता देते, कहते इसको पकड़ लो चलो अपने घर, वो तो रास्ता भटक गया। इसलिए आप लोग बहुत विचार से ये जो आप कर रहे हो अच्छा काम, तुमने मानव धर्म को खो दिया, सत्य को खो दिया, दया को खो दिया, रेम को खो दिया, आपने मतलब चरित्र को खो दिया, आपने सेवा खो दी, सम्मान खो दिया, आदर खो दिया, ये तो सब चले गए, पहचान आपने खो दी, तो ये बताइए कि मानव धर्म तो खत्म हो गया, मनुष्य के जितने गुण थे वही तो मनुष्य का मानव धर्म था, वो तो समाप्त हो गया, आप झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, दगाबाजी करना, और चोरी करना, और डकैती करना, और हिंसा करना, और निर्दयता के कत्ल कर देना, आदमी का बच्चे को काट डालना, ये क्या किया, क्या मालूम है आपको कि क्या है ये अच्छा बुरा करने। रामायण में लिखा तुम्हारे यहां कि मैं उन सबका हिसाब करता हूं, काल रूप हो करके खड़क लेता हूं और उसका बदला लेता हूं, तो आप ये अदले बदले देना पड़ेगा, ये तो कर्म का कर्जा है, जैसे किसी से बाहर से यानी कर्जा लेते हो बैंकों से तो उसका ब्याज देना पड़ता, तो ये कर्म का कर्जा है, जिसको मारा काटा, ना काटी कान हाथ पैर, ये चीज दिया, गला काट डाला, तो कर्म का कर्जा है, मैं ब्याज के आपको देना पड़ेगा, तो फिर वो आपसे बदला लेगा, फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने बीत जाएंगे अनगिनते, ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त नहीं होगा, ये तो आपकी बात तुमको अबूला, मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को जगाने के लिए और उस परमपिता परमात्मा को मनुष्य रूपी मंदिर में प्राप्त करने के लिए आपको दिया गया, और आपने इसमें कुछ नहीं किया, तो मेरी बात को सुनो आप बड़े ध्यान से, ये जो आप देखते हो कि शरीर में किधर आंख है, किधर आंख देखते हो,
अगर ये तुम्हारी आंख बंद हो जाए, ये कान तुम सुनते हो, तुम्हारे बंद हो जाए तो सुनाई दिखाई देगा नहीं देगा? तो फिर सब ऐसी बात समझ लो, इसी चीज को समझने की जरूरत थी। जब तुम ऊपर से इन्हीं रास्ते से भेजे गए थे, तुम्हारी आत्माओं की जमीन यहां तो नहीं है, ये तो जमीन शरीर की है। ये जो शरीर है, ये पशुओं का, मनुष्य का, परिंदों का, ये कीड़ों का, ये शरीर उसकी ये जमीन है और तुम्हारा सबका आसमान। लेकिन जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, बंद है, उसकी जमीन ऊपर है और आसमान नीचे है। जमीन ऊपर है, आसमान नीचे है। ये है जीवात्माओं की जमीन नहीं है। वो तो बहुत सुंदर जमीन, बहुत खूबसूरत जमीन, बहुत आनंदित जमीन है, बहुत शक्ति ज्ञान की जमीन है। ये क्या, ये तो मतलब नहीं है। आप देख लो इसको, ये शरीर की है, जड़ की। शरीर क्या है? जड़ है। लेकिन चलता फिरता क्यों है? इसमें चेतन जीवात्मा जो भगवान का अंश है, वो इसमें बैठा हुआ। तो अब ये बताओ, तुमने कभी सुना? बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत में आए, बहुत रिसर्च कर रहे, और उन्होंने रिसर्च किया कि भाई इस शरीर के अंदर कौन रहता? तो आले में एक समझ में आने वाले नहीं, एक बालू का एक छोटा सा कण, एक जगह उठा लिया जाए, उसके 1,00,000 टुकड़े कर दो, उससे भी जीवात्मा छोटी है। अब तुमसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है, तो आप नहीं बता सकते हो। तुम मेरी तरफ सुनो, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। ये देखो, इधर इस शरीर में बैठी हुई है वो जीवात्मा, तो कहाँ? यहाँ नहीं है, इधर नहीं बैठी, न यहाँ पर है, न वो इधर है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है, और न गुदा चक्र में, कहीं नहीं, यही नहीं यहाँ पर। मेरी तरफ सुनो ध्यान से, यह जीवात्मा इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में, दरमियान में ये बैठी हुई है। इधर ये, इधर देखो, ये इसका डंडा, ये आकाश का डंडा। ये आंखें बंद हो जाएंगी तो आकाश नीचे, ये, और आंख खुल जाएगी तो ये आकाश ऊपर है। ये यहाँ बीचों बीच में बैठी है, इधर ये डंडा है। तो इसके आगे उधर कुछ, इधर ये मृतलोक है, ये बीचों बीच में बैठी है। तो जीवात्मा में, उस रूह में, उस सोल में एक आंख है, शरीर में दो आंखें। कितनी आंख हुई बोलो? 3 आंखें हुई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में 1 कान, उस रूह में 1 कान, और शरीर में 2 कान। कितने कान हुए? 3 कान हुए। ये जीवात्मा बैठी है, उसमें 1 नाक, जीवात्मा में, रूह में 1 नाक, और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? तो तुमने कभी किसी से सुना थी था कि 3 आंखें होती, 3 कान होते, 3 नाक? अब तुम ये नया, ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान है, ये हमेशा रहता है, इसको कोई लोप नहीं कर सकता। और जब पाठ पढ़ाया जाता है तो इतना सुगम, इतना सरल, इतना सीधा, लेकिन तुमने उसको इतना मुश्किल कर दिया, क्योंकि अज्ञान में, भूल भरम। यदि बहुत सीधा है, बहुत सरल है, लेकिन उसको तुमने इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इतना कष्टदायक कि लोग ये समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारी रामायण झूठी हो गई। रामायण में लिखते हैं कि कलयुग के समान, भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई युग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं, कलयुग ही में भगवान मिलते हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो जब तुम्हारी जीवात्मा की आंख बंद है और शरीर की आंखें बंद है, तो तुमको न तो इधर से दिखाई देगा, न उधर से देगा। अगर जीवात्मा की आंख खुल जाए, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु दिव्य खुल जाए, तो तुमको स्वर्ग भी मिल सकता है, वैकुंठ भी मिल सकता, और परमपिता परमात्मा का जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार, और उसके बाद ब्रह्म का भी साक्षात्कार, उसके बाद पारब्रह्म का भी साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी आंख खुल जाए। पर ये आंख बंद क्यों हो गई? कि तुमको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे कर्मों का, कि जो तुम चाहो सो करो, पाप और पुण्य हमारी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। तो आपने मतलब ये अधिकार पाकर, फिर आपने पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये सब गंदगी आपने, ये सब की सब, ये उसका हृदय, ये नीचे हृदय नहीं है। इधर देखो,
इस डंडे के नीचे हृदय नहीं, इसके ऊपर, इस आकाश के ऊपर जीवात्मा का हृदय। तो जो कुछ भी तुमने पाप पुण्य अच्छा बुरा जो कुछ भी आपने किया है छोटा बड़ा, ये सब इसके ऊपर जमा है। वहां आग तो जाएगी नहीं, और ये जल भी नदियों पर ही जाएगा, ना आपके कुओं का जाएगा, ना पाइप का जाएगा जो धो देगा, साफ कर देगा। ये तो कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर ही जिंदा जला दिया जाए तो पाप नहीं जलते। ऐसी जगह उसमें जमा कर रखे, अग्नि का तो हिसाब होता है। तुम जो कुछ भी सुबह शाम कर रहे हो, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस तक किया तुमने जो कुछ भी, वो सब वहां लिख रहा। तुम्हारा जिद के साथ जो किया वो सब वहां पर है। और जब तुम यहां से इस किराए के मकान से वहां ले जाए जाओगे तो वहां तो कोई अंधेरा है नहीं, उजाला ही है। तो नक्शा ऐसे फैला दिया जाएगा पूरा का पूरा वर्षों का, और जिसके साथ जो कर रहे हो वो सामने है। वो पूछेगा कि भाई तुमको तो ये बताया था कि बुरा काम या अच्छा काम, बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना तुमको अधिकार दिया था, तो तुमने अच्छा काम नहीं किया, ये तुमने क्या किया, ये कर रहे हो, ये क्या किया तुमने। तो पूछेगा भाई हमने भेजा था महात्माओं को, किताबों को लिखवाया था, तो तुमने उसको नहीं पढ़ा, महात्मा कोई नहीं मिले, आप क्या जवाब दोगे। बात तो समझ, इसलिए आप आए थे अरे जीवात्मा को जगाने के लिए। ये दरवाजे पर बैठ गई, ऊपर जाने का रास्ता है और फिर इसको नीचे गड्ढे में लिए चले जा रहे हो, तो बताओ फिर तुम्हारा ये मानव जीवन का क्या लाभ हुआ। मनुष्य जीवन खाने के लिए, सोने के लिए, भोगने के लिए, गाली गलौज, चोरी चमारी या बेईमानी, दगेबाजी करने के लिए या कतल हिंसा के लिए नहीं दिया गया, आत्म कल्याण के लिए। मनुष्य शरीर मूल साधना का धाम है, इसी से लोगों ने प्राप्त करके किताबों लिखा, देख करके लिखा, लेकिन तो आप लोगों ने बड़ा भारी अपना नुकसान कर दिया, इसमें आप फंस गया करके, इसलिए आप नहीं समझते। इसी तरह से हमारे कान बंद हो गए तो भगवान की देववाणी क्यों नहीं सुन पाते हो। ये कान बंद हो गए तुम्हारे, जीवात्मा के कान जब बंद है उस कूड़े कचड़े से, जैसे बाहर के कान बंद हो जाए तो किसी की आवाज नहीं सुनोगे, चाहे तुम्हारी माँ हो चाहे तुम्हारा पिता हो, किसी की आवाज नहीं सुन सकते हो कोई भी हो, क्योंकि कान बंद हो गए। किसी के रूप को नहीं देख सकते हो क्योंकि आंखें बंद हो गई। ऐसे ही जीवात्मा की आंख, कान बंद हो गई, नाक बंद हो गई, तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। उसका कूड़ा कचड़ा हटा दो तो आंख खुल जाए, लेकिन जब बाहर की आंख कान बंद होते हैं तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हो कि बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया कीजिए और मेरे आंख कान नाक बंद हो गई, तो दया करके दवा दे दीजिए, पैसे तो लेगा ही, लेकिन फिर भी उससे दया मांगते हो। ऐसे ही तुम किसी महात्मा फकीर के पास जाते जिसने उसको प्राप्त किया कि भाई मेरी आंख और कान बंद हो गई, मैं कैसे उसको देख सकता हूं, तो दया करवा करके आप कोई अंजन लगा दीजिए तो मेरी दिमाग ठीक हो जाए, साफ हो जाए, खुल जाए, कान खुल जाए। तो भगवान की देववाणी सुनाई देने लगे और मतलब उसका साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार तो दिव्यदृष्टि से स्वर्ग का, वैकुंठ का, और मतलब है शक्ति लोग और ईश्वर के लोगों का तो ऐसे ही होता है जैसे आप तो अंधेरे में हो। ये प्रकार तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, उधर तो सूरज है ही नहीं, निकलने की तो बात ही खत्म कर दीजिए, उधर सूर्य और अंधेरे ही नहीं, वहां तो उजाले उजाला। तो वो देव सृष्टि है, देव लोग आपको तो विदा, और दरवाजे पर बैठ करके सामने स्वर्ग वैकुंठ है सीधा सामने, लेकिन तुमने पहाड़ की तरह से जो अपने पाप पुण्य की चट्टाने लगा रखी और आंख तुम्हारी जीवात्मा की कान बंद हो गए, और इसको कोई हटाएगा तब तो आपको दिखाई देगा परे। तब आपने किसी को ढूंढा कैसे, धोखा खा गए, समय आपका सब चला गया। अब आ गए 50 साल की उम्र, तो अभी हाथ पैर थकने वाले, तुम नहीं जानते हो कि बचपन में कुछ नहीं होता, बच्चा होता कुछ नहीं कर सकता और बुढ़ा होता तो कुछ नहीं, उसके उसके बस की बात नहीं। अब ये जो कुछ भी काम करना है, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, इसी के साथ साथ जवानी के इसको ही थोड़ा सा बचा लो, इसी में से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और तुमने इसमें से थोड़ा समय नहीं बचाया तो कुछ नहीं, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते।
इतने 23 घंटे इसमें और 1 घंटा इसके लिए बचा लो तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाए। ये तो भारत का विज्ञान सिरमौर है, ये तो भारत में रहता है। क्या वो मीरा, क्या वो कबीर, क्या मतलब ये कि वेदास कुछ पढ़े लिखे थे, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे? लेकिन देखो आज यही तो सोचने की चीज है कि आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक बुद्धि ज्ञान अलग है। भौतिक बुद्धि ज्ञान जितना भी है सब नाशवान, आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी है सब अचल है, अस्थाई है। तो ये है कि दो अलग अलग है, वो चेतनता का है, ये जड़ता का, ये बुद्धि ज्ञान जड़ता का, ये सब जड़ चीजें, इनको जितनी भी चीजें बनाओ सबका नाश, बनाने वाले का ही नाश हो जाता है इसी का, तो इसका तो नाश हो ही जाएगा। और फिर वो जीवात्मा चेतन है उसको इसने नहीं बनाया, वो तो मतलब ये है कि ऊपर से आई है तो वो तो नाश नहीं होती है। उस पर आवरण, उस पर कूड़ा कचरा ला दिया, उसको हटाओ और अपने घर में ले चलो, स्वतंत्र है, न जलवो न मरो, न 84 जाओ, न नरकों में जाओ, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, और न मतलब यह है कि तुम खेती वाले न दुकान, न मल न मूत्र, न बीमारी न कपड़े, कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा मतलब है कि आनंद। अब बच्चा अमीर गरीब के यहाँ होता है तो नंगा आता है, कोई सोना चांदी लेके आता है, कोई स्त्री या बच्चे लेकर के रोता है, क्यों ऐसे हाथ फेंटता है, उसको पीड़ा है, उसको बहुत दर्द है, वो बयान नहीं कर सकता। अगर वो उस पीड़ा को बयान कर दे, उस समय होश आ जाए, बयान कर दे, तो आपकी अकल ठीक हो जाएगी, वो बयान नहीं कर सकता। जब जाने लगोगे तुमको तो मालूम नहीं, तुमने तो ये सब सामान अपना कहकर, मेरा है ये, मेरा है, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरा ये, मेरा है पड़ा, मेरी जमीन में मका। लेकिन जब जाने लगोगे तो ये बम के, तोप के गोले, एटम बम के कुछ नहीं है, इतनी जोर से ये चटकता है, इतनी जोर से इन हड्डियों में आवाज होती है, तो कितनी पीड़ा हो, कितना दर्द होगा आपको, तो इसका अंदाजा नहीं। तो जलमत मरण दूसरे दो कोई, ये बयान कोई नहीं कर सकता। सबने मतलब ये कलम को तोड़ दिया, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द होता। तो जब तुम मतलब ये कि आए थे तब तो देखा था, देखना चाहिए था, कुछ नहीं था, बाद में सब तुम्हारा हो गया। लेकिन जब जाने का समय हुआ और उसने कहा कि चलो, उसने कहा हमारे इस मकान को खाली करो, तो बस रोटी खा रहे हो, खड़े हो आप, हवाई जहाज में जा रहे हो, मोटर में, वही गिर गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, किसी को तो कुछ दिखाई देगा नहीं, वो तो अंदर से अंदरी का काम। बात मतलब यह है कि कहते हैं निकलो जल्दी से, मन बुद्धि चित्त और प्राण और जीवात्मा को निकाल के बात कर दिया। अब यह रहेगा ही मिट्टी, ये सामने क्या करोगे, घर में रखोगे तो बदबू आएगी। तो क्या कहते हो, अरे ये जल्दी करो, देर मत करो, बहुत डर लगने लगा, इस पर कपड़े डाल दो, अब नहीं देखा जाता, इसको ले जाओ। धीरे से कहोगे ले जाओ, लेकिन बार बार चिल्लाएंगे कि भाई क्या हो गया, क्या चला गया, तो उसको इधर मतलब बाहर ले आओ। अंदर वाले तो धीरे से कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर जोर से कहने लगेंगे, ले जाओ। कपड़ा डाल करके उसको ले जाते हो बाहर, मुसलमान गड्ढा खोदते नीचे डाल देते हैं, और हिंदू लकड़ियों पर रख देते हैं, तो उसको देखना चाहिए कि कपड़ा ढक के रखा था, लेकिन जब आग लगाई फुर, कपड़ा तो एकदम शरीर दिखाई देता। तो आपको ये देखना चाहिए कुछ लिए जा रहा, जब देख लो ये तो बिल्कुल नंगा हो गया, कुछ लिए जा रहा, कोई सोना चांदी लपेटे जा रहा। अरे तुम्हारे, तुम इतना नहीं ज्ञान कर सके बुद्धि से, भौतिक की बोध भी करते विवेक, तो आपको ये जानकारी तो फिर मोह ममता में नहीं भरते, तो ये भी काम करते, खेती दुकान दफ्तर का कपड़े पहनते, बच्चों की सेवा करते, अतिथि का सत्कार करते, ये सब काम हो जाता, और जीवात्मा के भी कल्याण हो जाता, उसको भी जगा लेते आप, तो इसमें से कुछ नहीं किया। ये परदेश है, जो है चल रहे हो, लड़ाई कर रहे, कसरतबाजी, ये सब है ठकर, सबको बुला देता, किसी को छोड़ता नहीं है। उसने 4 खाने, अंडज पंडज उखवा के स्थावर, 4 खाने, 84 लक्ष नस्लें उसने बना रखी है, और कई नाम के उसने नरक बनाए। तुमको इतने से निकाल के वहां डालेगा ना, तो कहा तुम्हारा वहां ये सेव करेगा। ऐसे लाख लाख मील की लगियां उन पर टांग करके, और इतने इतने बड़े बड़े खंभे हैं, जैसे सारा संसार ऐसे एक खंभा जल रहा, उसी में लगा करके ऐसे
जलाए जाते करोड़ों करोड़ों वर्षों का। कितने राजे महाराजे चिल्ला रहे, लाखों मीलों तक आवाज आती है, लेकिन ये कब दिखाई देगा? जब अंदर की दीप आंख ज्ञान चतु तीसरा नेत्र जो मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास वो जब खुल जाएगा तो दिखाई देता। तब ये होता है कि ओहो इस जीव की क्या दुर्गत होती है। अरे भाई तुमको कर्म बंधन में तो बांध ही दिया, आजादी तुमको इतनी दी है कि जितनी भगवान को भी आजादी नहीं मिली, इतना अधिकार कर्म करने का दे दिया आपको, जो चाहो सो करो लेकिन उसका फल अपने आप हो। हम ना आदेश देते हैं ना मना करते, वो तो अधिकार आपको। और तुम अगर कुछ ना करो तो निकल चलो, उसके लिए भी कुछ नहीं कहता, निकल जाइए। हमारा कर्जा हमको दे दो, जो तुमने लिया दिया वो हमको चुका दो, हमको दे दो ये और अपना चले जाओ, उसके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कर्जा जो कितने युगों का हाथ चुका लोगे अपने ऊपर, किसी महात्मा वकील से मिलो तो वो उसको जला देगा, धो देगा। तुमने रामायण ही सुनी है, नये नमी दृग दोष विमंजन, नेत्रों में जो दोष आ गया उसको महापुरुष जो है जड़ी बूटी औषधि आंख पर लगा देते हैं तो मैल जीवात्मा का कट जाता। तो दिव आंख ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाता है। और यहीं से बैठ करके दरवाजा पर बैठे हुए हो और फिर अपने घर में प्रवेश नहीं हो सके और नीचे जा रहे हो अंधेरे में, अरे उजाला में जाना चाहिए था, प्रकाश में, रोशनी में। इसलिए मैं तो कुछ अमूलक चीज देने आया हूं, लेकिन मेरी कुछ जरूरी बातें सुन लो, आगे बड़ी तकलीफ आने वाली। कोई भगवान आपको और महात्मा श्राप नहीं देते, वो कुछ नहीं, महात्मा तो कभी देते ही नहीं, सवाल ही नहीं, भगवान भी नहीं देता। लेकिन जो जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको दंड मिलेगा। तो बताइए आपने कुछ बचाओ, कुछ बचाव के लिए सोचा है तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। 47 सालों में इतनी तकलीफ नहीं आई, ऐसी बीमारियां आपने नहीं देखी, ऐसे झगड़े नहीं देखे, समझ गए, ऐसी महंगाई नहीं देखी आपने, अर्थ की ऐसी कमी, रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। ये सब आगे आने वाली है, उसको मैं संकेत दे रहा हूं कि तुम लोग इसको सुन लो और सुन करके कोई बचाओ का सोचो, समझ लो उस बात के लिए। तो मेरी बात सुनो, एक चंडी देवता है, देवता या तो उसको देवता कहो देवी कहो, लेकिन बाहर की चरम आंखें, यह शरीर की जो दो आंखें बाहर से, इनसे वो नहीं दिखाई देता, इनसे उसको नहीं देख सकते हो, देवता को देवी को किससे दिखाई, जब अंदर की दिव्य आंख ज्ञान चक्षु खुल जाए उससे वो दिखाई देता। तो चंडी यानी देवता वो एक मसाल लेकर के 4 वर्ष हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए, 4 वर्षों से वो बोल रहा हूं कि देखो होशियार हो जाओ। चंडी जो एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर वो विश्व के देशों का दौरा कर रही है, सबका बात को समझ लीजिएगा आप, विश्व के देशों का दौरा कर रही तो क्या करेगी, वहां के धन को गायब कर देगी, छुपा देगी, जो नाम होगा वहां के धन का, यानी रुपए पैसे डॉलर का या और कुछ है यहाँ, और जो भी नाम होगा उस देश का उसको गायब कर देगी। तो वहां की जनता चलाएगी कि भाई पैसे किधर हो चले गए, वहां के जो सेठ साहूकार हैं वो चिल्लाएंगे भाई ये किधर गया, तो शासक भी चिल्लाएंगे कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि रुपया पैसा किधर चला गया, ये कमी कैसे हो गई, क्योंकि हमारा देश तो भरपूर था, संपन्न था, तो ये कमी कैसे हो गई। तो सब उस देश में जाएगा वहां गायब कर देंगे, उस देश में जाएगा उसको गायब करेंगे, उसमें जाएगा उसको, जितने विश्व में देश है सब में जाकर के गायब कर देंगे, भारत में भी आएगी। और भारत में भी आकर के यहाँ के धन को गायब कर देंगे, तो यहाँ की जितनी जनता है वो सब चिल्लाएंगे भाई धन किधर गया, सेठ साहूकार चिल्लाएंगे ये फैक्ट्री कारखाने वाले और दुकान वाले भाई धन किधर चला गया, तो शासक लोग भी चिल्लाएंगे जो शासन करते हैं भाई धन किधर चला गया, ये चिल्लाएंगे बड़े जोर के साथ। तो क्या करेगी वो चंडी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी, पहले तो आपस में मन खराब करेगी
और फिर जब मन खराब हो जाएगा तो वो कहेंगे राष्ट्रपति और वो कि अच्छा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क का हमला करो। तो ये बच्चों, जब एक दूसरे मुल्क पर हमला होने लगेगा और उधर वो ये गायब कर देगी तो ये बताओ कि लड़ाई में ये नहीं लगता है, ये लगेगा नहीं लगेगा, तो ये किधर से आएगा, ये किधर से आ जाएगा। लड़ाई में तो यानी अकूत धन खर्च होता है, वो फिर किधर से आएगा, फिर वो चिल्लाएंगे वहां के लोग कि हमारे देश में अनाज नहीं रहेगा, जनता यानी भूखों मरने लगी, और ये भूखों तो वो भी चिल्लाएगा कि मेरे यहां जनता भूखों मरने लगी, तो वो भी चिल्लाएगा मेरे यहां, तो मेरे यहां अगर किसी के पास हो तो मुझे भेज दो अनाज, तो जब अनाज नहीं होगा तब क्या होगा, कोहराम मचेगा। बोला पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना सोचो। मैं तो तुमको संकेत दे दूंगा कि तुमने जो कर्म किए हैं उसका आगे मतलब यह है कि कष्ट दुख तकलीफ भयंकर आने वाली है, तुम उसके लिए बचाव करो। तो बचाव के लिए कुछ सोचना चाहिए, किसी से पूछो भाई हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आप बता दीजिए तो वो बता देगा कि हम भाई इस तरह से बचाव करो। तो ये तकलीफ तुमको नहीं मालूम, ऐसी बीमारी यानी फैलेगी कि तुम बम्बई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहां सब डॉक्टरों के दवा खोजो तो सबके सब ये जवाब देंगे ना तो इसकी कोई फैक्ट्री है ना दवा। वैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये टेबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है और एक रुपए की दवा 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा ये किधर से देगा, यदि क्या बीतेगी, ये तुम्हारे भले के लिए, तुम बुरा काम मत करो अच्छा करो, यानी क्या करो सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो, पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ, ये अच्छा काम है, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दगेबाजी मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, ये बुरा काम, अच्छे काम को करो, चलो आज ही से शुरू कर दो। तो दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, जो भी दफ्तर है सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक, और खेती और दुकान जो कारखाने से लेकर के और कस्बों में और मतलब शहरों में दुकानें, ईमानदारी मेहनत के साथ, ईमानदारी मेहनत घर में चाहिए, नहीं पति पत्नी 2 मिनट भी नहीं चल सकते, ईमानदारी मेहनत वहां भी चाहिए, ईमानदारी मेहनत भाइयों में चाहिए, नहीं भाई भाई नहीं रह सकते, ईमानदारी मेहनत अपनी जाति में चाहिए, नहीं जाति नहीं रह सकते, ईमानदारी मेहनत धर्म में चाहिए, जो भी धर्म किसी का हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, ईमानदारी मेहनत उसमें भी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो नहीं धर्म चलेगा, ईमानदारी मेहनत राज में चाहिए, अगर वहां भी ईमानदारी मेहनत नहीं होगी तो राज नहीं चल सकता। ये बात आपने क्यों नहीं सुनी, आपको तो अपने हकी के कमाई कहीं भी काम करते हो आपको मिलता है, दफ्तर में किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में काम करते हो वेतन आपको मिलता है, जब जब आप मांगते हो और कहते हो हमको कमी हो गई तब तक कुछ बढ़ जाता तो आपको मिलता है, फिर तो ईमानदारी मेहनत करनी चाहिए, जब आप ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे उसमें चोरी करने लगोगे और बगल में तुम खेत काटोगे और बगल में रात को तुम किसी कारखाने से पेटी उठा लाओगे तो ईमानदारी मेहनत चली गई, फिर तो मतलब है उसमें तुम्हारी बरकत ही नहीं होगी, वो तो उसमें रोग लग गया घुन लग गया वो तो मतलब खत्म हो जाए, ईमानदारी मेहनत सबने चाहिए, और ये आपने सबने छोड़ दिया, सबने मिट्टी मिला दो, कंकड़ मिला दो, इसमें ये मिला दो, उसमें वो मिला दो, उसमें वो मिलाओ, ये सब काम पैसे लो आप, 4 पैसे इरादा कर लो कि मुझे 1 रुपए में 4 आने लेना है तो डंगा पीट के लो कि देखो साफ चीज है ये ईमानदारी है, इसको ईमानदारी कहते हैं, मेहनत की हो मेहनत का आपने फल लिया कि ईमानदारी ये है कि मतलब 1.25 रुपए का तो ठीक है दे देंगे भाई चीज तो खराब नहीं, लेकिन जब आप बेईमानी करने लगे मिलाने लगे तो उसमें रोग लग गया, तू नहीं समझता है कि मेरा ये कैसे निकल जाएगा,
लड़की बीमार, लड़का बीमार, स्त्री बीमार, पति बीमार, माता पिता बहमा बीमार, अड़ोसी बीमार, पड़ोसी, सब पैसा तेरा उसमें चला जाएगा। परेशान अलग, काम से अलग जाएगा, घर का काम नहीं, दुकान का नहीं। तो ईमानदारी मेहनत बहुत बड़ी चीज है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा खंभा है, और वो आप लोगों ने सबने छोड़ दिया। तो मैं तो आपको संकेत दे रहा हूं कि दिन में काम करो और बच्चों की सेवा, इतना जरूर है कि सहकारी रहो। ए मनुष्य इंसान हो, सहकारी हो जाओ। सहकारी, सहकारी का मतलब समझ लो, जितने मोटे महीन अनाज और मोटी महीन सब्जी, मोटे महीन फल, आप घी दूध दिन में 100 बार खाओ। आप नर नारी बच्चे बच्चियों को मना किया जाए तब ये कहना, आप इसको खुद खाइए, खुद मना, लेकिन अशुद्धार हे बच्चे बच्चे, अशुद्धार मत, अशुद्धार मत करो। किसी किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी किसको, किसी जानवर को, किसी पंछी को, किसी को, अरे अशुद्धार नहीं, अशुद्धार से अशुद्ध बुद्धि। फिर बीड़ी तमाखू हुक्का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। हे बच्चों, ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुम घर में किसी बहू बेटी को, माँ को नहीं पहचान सकते, अगल बगल में बुद्धि पागल हो जाएगी, उस पागलपन में चले जा रहे हो, गड्ढा मिलेगा, पैर पड़ेगा, टांग टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी और सिर लड़ जाएगा, फट जाएगा, मर जाओगे। बताओ पैसा कहां से आएगा? ऐसा वैसा न रामायण कहती है, न महात्मा कहते हैं, न कुरान कहती है, मेरा आप क्यों ऐसा करते? बीड़ी तम्बाकू हुक्का दियो। लेकिन जो बच्चे 18-20 साल के हो गए बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते, अरे बच्चों तुम कभी भूल कर मत पीना, ये बुरी आदत है। जो पीते हैं उन्हीं को पी लेने दो, तुम मत पीना। अगर जीवन अपना चाहते हो रोज तुम चिल्लाते हो, देखो ये स्कूल है, ये बच्चे पढ़ते हैं, छात्र, तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? मुझसे साफ कहलाना चाहते हो और कुछ दे दूं तो मिर्चे लग जाएंगे आपको? तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? जिस समय पर तुमको देश आजाद हुआ था उस समय पर बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी कि देखो भाई, अब तो देश हमारा आजाद हो गया, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ गया, फौज आ गई, खजाना आ गया, कागज पत्र, कोर्ट कचहरी, सब कुछ आपके हाथ में आ गया। तो इनसे कहते हैं देखो भाई, कारखाना आपका, ये दुकानें सब आपकी, ये खेती आपकी, ये सब रेल बस आपकी, ये जितने दफ्तर हैं छोटे बड़े सरकारी गैर सरकारी सब आपके, ये स्कूल आपके, ये सब आपके, अध्यापक आपके, जितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं सब आपके, ये सबको बोध यानी ज्ञान कराना चाहिए था राष्ट्रीयता की, भक्ति का और सेवा का। तो क्या होता है इससे मालूम आपको कि जितनी आपने मेहनत की है वो जो आमदनी आपकी हुई थी वो सुरक्षित रहती और वो आपके काम आती, लेकिन तुमने समझा नहीं। ये सब दुकानें सब मान लो कि हमको दवा की जरूरत है, बीमार है, गए आप गांव में कि भाई हमको दवा चाहिए, उनका भाई कल तो लोग आए थे जला गए, तो दवा कहां है? तो गए इंदौर दौड़ करके वहां दुकान पे गए, भाई हमको इस बीमारी की दवा चाहिए, चले गए, यहां भी आए थे दवा की दुकान जला गए, तो दवा बताओ कहां से मिलेगी? जब बीमार हुए तभी तो जरूरत पड़ेगी, कहीं बस में जाना, कहीं रेल में जाना, तो चीजें तो सब आपकी हैं, सब आपके काम आएंगी। ऐसा क्यों समझते हो कोई शादी विवाह है तो दुकान पर जाओगे, घर में रखो रहोगे सामान खराब हो जाएगा? दुकान पर रहते हैं एड़ते फेरते पान की तरह से, एड़ते फेरते रहते हैं, सामान ठीक रहता तो आप गए ले आए जाकर के, तो जरूरत पर वहीं जाओगे सामान ले आओगे जाकर के। तो ये सब आपकी चीजें थी, लेकिन आपने क्या कहा? बस तोड़ दो, रेल तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो, बच्चे मार दो, मास्टरों को मार दो, इन दुकानों को जलाओ, कारखाना जला दो, इसको कर दो और उसको जलाओ, दफ्तरों को जला दो और दफ्तरों के कर्मचारियों को मार दो, तो चारों तरफ से और क्या मिलेगा तुमको? स्वर्ग मिल जाएगा। तो 47 सालों में आपने क्या किया है कि ये सब अपनी आमदनी जो खेती, दफ्तर, दुकान, कारखाने, रेलों की, बसों की, हवाई जहाजों की और बिजलियों की, साहब को भस्म कर दिया। हे बच्चा, कुछ नहीं रह गया, मेरे दिल से पूछते कुछ नहीं रह गया। तब ये भगे कि भाई किसी तरह से ये कैसे राजकाज चलेगा,
तो बाहर गए, कहा हमारा देश बड़ा गरीब है और आप अपने देश से कुछ कर्जा दे दो। तो विदेशों से ये कर्जा मांग के ले आए, कितना ले आए ये तो आप विद्वानों जानो, मुझसे इससे मतलब नहीं, लेकिन कर्जा ले आए। मैं तो इतना ही जान सकता हूं कि कर्जा आप दे नहीं पाओगे, जब ब्याज ही नहीं दे पाते हो कर्जा देना बहुत मुश्किल है, विदेशी कर्जा। फिर ये बताओ आप कि कर्जा कौन देगा, क्योंकि विदेशी तो कर्जा छोड़ेंगे नहीं भारत से, जो भारत को दिया वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब MLA चले जाएं और MP चले जाएं, सब हट जाए तो दे देंगे। हे बच्चा कोई नहीं देगा, ये जो बैठे जंगलों में जो अनाज पैदा करते हैं, ये भूमि जोता काफ का, ये सब इनको देना पड़ेगा और एक नया पैसा कोई नहीं। इसलिए आपको ये बोध कराना चाहिए था कि ये सब आपकी चीजें हैं, दुकान दफ्तर रील बसें, और ये मतलब ये है कि राष्ट्रीयता तुम्हारे काम आएगी। आज भक्ति का पाठ पढ़ा दिया होता और तुम्हारी आमदनी सुरक्षित रह गई होती तो भारतवर्ष तुम्हारा देश इतना धनाढ्य हो जाता कि विश्व के यानी देश तुम्हारे धन से पीछे हो जाते। तुमने नाश कर दिया, ये हमसे पूछिए आप। इसलिए ये बच्चे पढ़ते, अब ये बताओ आप इनके लिए आपने क्या सोचा। इतने स्कूल है तमाम, मतलब है भारतवर्ष में कितने स्कूल, कितने बच्चे पढ़ते, इनके लिए आपने क्या सोचा। अब जब पैसा नहीं रह गया यानी कर्जे का पता नहीं कहां लगा, तो भगे आप वहां विदेशों में, वहां के सरकारों से कहा हाथ जोड़कर कि हमारा देश गरीब है, अपने देश के सेठ साहूकारों को यहां भेज दो, तो अपने पूंजी का यहां से ले चलो विस्तार कर दो, क्योंकि वहां पूंजी नहीं रही। मतलब इस साफ साफ स्पष्ट बात है कि भारत में पूंजी नहीं रही, तब बुला रहे हो आप कि पूंजी का विस्तार कर दीजिए, हम सब सुविधा देंगे। अब वो यहां आ रहे, हे बच्चों स्कूलों वाले ये सब के सब बाहर नक्शा ले जाएंगे, तुम्हारे छोटे बड़े कारखानों में क्या बनता है इसका नक्शा ले जा करके बाहर यानी ले जाएंगे और वहां सामान बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, मजबूत। तुम्हारे यहां 400 रुपए का, उनके यहां उनका सामान 50 रुपए का। ये मानो 2 अरब की मानो मंडी है, भारतवर्ष है मनुष्यों की, ऐसी मंडी को कौन नहीं चाहेगा। तो वह सामान ला करके फेंक देंगे, ए बच्चों सुंदर रहेगा, मजबूत रहेगा और सस्ता, वही 400 रुपए 50 रुपए का, तो लोग सब उसको चाहेंगे कि भाई वो सुंदर किया गया, मजबूत किधर चला गया, सस्ता किधर है, बढ़िया वाला वो हमको चाहिए, हमको ये दुकानों पर नहीं। तो ये दुकानों का सामान देसी आपका रखा रहेगा, या तो इसको और कम में निकाल दीजिए जल्दी जल्दी, रखा रहेगा तो ये दुकानदार कारखानों से यानी सामान पेटियों से नहीं मंगवाएंगे, वो सामान वही स्टॉक गोदाम में जमा हो जाएगा, जब जमा होगा तो लेबरों को वहां से मजदूरी किधर मिलेगी, इसलिए वो कारखाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो जब उनके मैनेजर और उनके कर्मचारी बाबू और मजदूर जब घर में बैठ जाएंगे, जब कारखाने बंद हो जाएंगे, तो उनके भी तो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और कामगारों के बच्चे भी पढ़ते हैं और लोगों के भी पढ़ते हैं, तो आपने इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा, कुछ विचार किया। कहते हो हम विद्वान हैं और कहते हो हम डिग्री प्राप्त की, कहते हो हम बड़े समझदार। आपने इसके लिए जनरेशन, ये जो दुरुपयोग होने जा रहा ये जनरेशन के बारे में बच्चों छात्रों के लिए सोचा, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे देश के जितने सेठ साहूकार हैं वो सब मेरे पास आओ और उनको जगह जगह बुला करके उनकी मीटिंग करते और उनसे कहते हैं देखो हम सब सुविधा देंगे तुमको, हर तरह की देंगे सुविधा, और तुम कहीं से धन ले आओ यानी मतलब रुपया पैसा, और तुमसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स लिया जाता नहीं लिया जाएगा, जो पुराना देते हो वही देते रहना तुम एक साल में और पौने 2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। कह लगे अच्छा हम लगा देंगे, तो आप हमको सुविधा दे दीजिए, हमसे पूछे नहीं कहां से ले आए, तो ये ले आएंगे और साल डेढ़ साल पौने 2 साल में छोटा बड़ा कारखाना। तो इनसे ये कहिए कि जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनको सबको काम नौकरी देते हैं, इनको तो ये छात्र हैं, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये वहीं से पोस्ट कार्ड अपना लिख देंगे और वो जमा रहेगा, मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली और करने जा रहा हूं, तो वहां रखा रहेगा, जैसे ही डिग्री प्राप्त होगी उनको पता चल जाए इनको काम नौकरी दीजिए। तो भारत का जो वास्तव में वैज्ञानिक तबका
उसका उपयोग हो जाएगा। और भारत का जो वैज्ञानिक है, जो छात्र है, अगर इसको सुविधा मिल जाए तो इतने विज्ञान का विकास करेगा कि विश्व में इतना विज्ञान नहीं जो भारत का कर जाएगा। लेकिन आपने उनको सुविधा दी, खाने को ठिकाना नहीं, कहता है कुएं में गिरने जा रहे, हम गोदुआ दे दीजिए, उन्हें सीने मरेंगे। भाई क्यों कह रहे, कहीं काम नहीं मिलता, ये डिग्री हमारे पास में कोई काम नहीं मिल रहा, कहीं भी नौकरी भी नहीं मिल रही कि बाल बच्चों को। फिर यह है कि इनमें ढोलना डाल देंगे, ढोलना तो बच्चे जो गाय भागने वाली होती है दूसरे खेत में चली जाती है तो उसको एक लकड़ी का ढोलना डाल देते हैं, तो फिर पैरों में जब भागती है तो खट खट लगता, वो तो आप जानते ही हो। तो इनको ढोलना का मतलब समझते हो, इनके साथ एक गले में बांध दिया जाएगा वो शादी विवाह एक बांधी जाएगी, तो जब घर में आएगी तो दूसरे दिन बोलेगी कि भाई अब तो कहीं जाओ, कहीं काम हम देखो, कहीं नौकरी चाकरी, तो कुछ कमा के ले आओगे, हम भी पहरेंगे तुम भी पहरोगे खाएंगे। तो बेचारा एक दिन दो दिन धीरे धीरे कहा, फिर कहती रही, तो बेचारा निकल के बाहर गया, महीने दो महीने बाहर घूमता रहा, कहीं बम्बई किधर, और खर्चा भी किया, घर लौट के आया कहले कहीं काम नहीं मिला। तो घर में अब वो जोर से तड़क भड़क होने लगी, हम तुमको देख लेंगे तुम हमको। तो कहता है माँ बाप से, कहने लगे ऐसी जिंदगी किस काम की, सीधे ही नदी में गिरता हूं कुएं में। और कितने बच्चे ऐसे ही मर गए, कितनी स्त्रियां मर गई, तो आप ये नहीं जानते हो। इस पर सोचो, इनको अपने देश के लोगों को सुविधा दे दो, और बाहर के आने का भी मुहूर्त नहीं है, यानी योग नहीं है बाहर के आने का, बाहर विदेशियों के आने का और व्यापार करने का बच्चों मुहूर्त नहीं है, और तुम्हारा भी बाहर व्यापार करने का मुहूर्त नहीं है। तुम विदेशों में व्यापार करोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये लिख लीजिए आप। और विदेश के लोग भारत में व्यापार करेंगे उनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपने ये प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा भारत में नुकसान होगा, पूंजी निवेश में हम देंगे, तो ये और घाटा हो गया। हम चिल्ला रहे हैं चार वर्षों से कि नुकसान होगा, और आप कहोगे नहीं हम नुकसान देंगे, तो कितना जमीन आसमान का अंतर। तो किसी की बात तो सुनना चाहिए कि भाई चल चिल्ला रहा कोई अपने मतलब के लिए चिल्लाए, तब तो आप कह सकते हो भाई ये सब रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, अभी आते हैं सब स्त्री को, ये बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, और पैसे नहीं है, और ये नहीं है, और हम सब जगह आए सब दवा खाली, तो यहां कोई अस्पताल खुला, तो कहते नहीं आशीर्वाद दुआ दे दी। अब पता नहीं इनको कहां से मालूम हो गया कि दुआ आशीर्वाद दे दीजिए, मैंने मेरे पास कोई अस्पताल रखा हुआ जो मैं तुमको दवा बांट दूंगा, वहां दवा बटती है, वहां ले लो जाके दो, तो दवा हमने सब खा ली। अब यह हालत है, कहते मैंने लाखों कितने लाख रुपया खर्च किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसको देख करके तकलीफ होती, ये तो काम आपका था, मेरा काम दो ये नहीं था, मेरा काम दो यानी अच्छाई बुराई का बोध कराना और जीवात्मा को जगाना मेरा काम था, तो तुम कहने अब ये कर दीजिए, अब बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा। भारत का आदमी बच्चों ये बड़ा लालची है, मेरी बात को अपनी किताब में रखना लिख करके, ये बाहर के विदेशी अड्डा जमा लेंगे और थोड़ा बहुत आकर के पूंजी का विस्तार थोड़ी बहुत कर देंगे। वैसे तो उन्होंने क्या किया है कि वहां आए 3-3 लाख के बोर्ड लगा दिए मुंबई कलकत्ते में दिल्ली में, और कंपनी का नाम रख दिया और शेयर निकाल दिए और शेयर बिक रहे, एक ईंट भी नहीं रखी है कि सुई की नोक बन जाए, और शेयर बिक रहे वो तो अपना लेकर के डॉलर चले गए बाहर, और ये दलाल उस शेयरों को बेच रहे, वो खरीद रहा, और एक भी चीज इतनी भी नहीं बन रही। अगर देखने जाइए तो कहीं उसका नाम पता ही नहीं। हे बच्चों तुम क्या हो गए, ये सोच लो, भारत का आदमी बड़ा लालची है, ये चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट वालों को जो बड़े ऊंचे पोस्ट पर है, बड़ी की पोस्ट पर, उनको खरीद लेंगे, तो तुम्हारा भारत फिर गुलाम हो जाए, फिर बजाएगा। कहते कुछ है, करते कुछ है, और सोचते कुछ, कोई बैठता नहीं है साथ, जो कहे जो सोचे और जो करे तब तो बैठ जाए, ये कहा और ये किया और ये सोचा, तीन काम अलग अलग हो गए, तो कैसे एक जगह मिलाप होगा। इसलिए अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था व्यवस्था जो पहले की थी अर्थव्यवस्था हो गई, वो व्यवस्था बिगड़ गई। अब बिना ऋषियों मुनियों के ये व्यवस्था आपके आने वाली नहीं,
अब ये बताओ तुम अनुभव करो कि जितने कोई नशा कर लिया और पागल रहता सुबह भी करता शाम को वो घर चला सकता है, कोई आमदनी कर सकता है? आप पहले उसको देखो। जब आप अपने घर में एक छोटी सी चीज देख लो तो बड़ी बड़ी चीज देखो, फिर रात कैसे चलेगा, बड़े काम कैसे होंगे। तो मैं तो एक सत्य बात आपके सामने, क्या मैं तो अमोलक चीज देने आया हूं कि मेरा तो समय फिर मुझे मिलेगा नहीं, और पता नहीं तुम्हारा समय पूरा हो जाए। तुम मतलब यह है कि आज ही रात को तुम्हारा समय पूरा हो जाओ क्या? कोई दो महीने में, कोई चार महीने में, इसमें दो चार महीने में कई लोग चले जाएंगे, तो मतलब समय तो मैं तो ये सोचता रहता हूं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनहात उसी संगत साहब की हरे को डसा, एक चिंगारी भी वो मतलब ये है कि योग रूपी अग्नि की इसके हृदय में जहां यानी पहाड़ों का पहाड़ पापों का जमा वहां पड़ जाएगी तो तमाम जला देगी, इसका तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं ये सोचा करता हूं, इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देना चाहता हूं, वो प्यार से ले लो, आदर से, सत्कार से लो, इज्जत से लो, मान सम्मान से। मैं तो इतनी में थोड़ी देना चाहता हूं, मैं तो बहुत ही, मैं तो आपका पक्का सेवक हूं, मैं कोई महात्मा थोड़ी हूं जो आप सोचते हो कि महात्मा होंगे, महात्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम निशान को नहीं, सिर्फ आपका सेवक हूं। आप सेवक से काम ले लो, वो चतुर वो है मालिक जो सेवक से काम ले ले, जितना ज्यादा काम ले ले। और वो थोड़ी की बेवकूफी की बात है कि सेवक सेवा करने आया और उससे आप काम नहीं कर ले सके तो भाई मालिक किस बात के, सेवा करने वाले से सेवा ले लो, जो सेवा करता है वो तो सेवा ही करेगा। महात्मा जितने भी आए तो कभी महात्मा नहीं, आपने जो भी कहा उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महात्मा, यानी उन्होंने तो सपने में भी नहीं ख्याल किया कि महात्मा है। अगर महात्मा कह दे तो सीधे न रखो, कैसे कह देंगे, बड़ा मुश्किल, कैसे भाव रखेंगे महात्मा का, इसलिए वो सेवक रहते। तो आप अमोलक चीज ले लो, ये मिलेगी नहीं आपको, चाहे जितना दुनिया में हीरे जवाहरात बांटो, पैसों से मिलने वाली नहीं है ये, तो जब उसकी कृपा दया होती है और महात्माओं को आदेश मिलता है तो कहते हैं भाई इन मानव आत्माओं पर ये आत्मधन की वर्षा कर दो, तभी ये होता, वैसे पैसे से नहीं मिला, पूरा राजपाट दे तो आपको नहीं मिलेगी, चारों तरफ घुंघियाई आपको मिलने वाली नहीं है। तो घर बैठे आप ले लो, आप गंगा स्नान करो, अच्छा आपको ये चीज मिलेगी नहीं, पीछे आप विचार करना। तो दो चीजों का तो ध्यान रखना, सहकारी देना, बीड़ी तमाकू का की तो कोई बात नहीं, इकतीस अक्टूबर 1996 बुरहानपुर का सत्संग सुनिए। जय गुरुदेव। यह रिकॉर्डिंग महेश भैया इंदौर वाले ने की है, सही रिकॉर्डिंग की सही कैसेट लीजिए महेश भैया इंदौर वाले से। जय गुरुदेव। ये सब बोल रहे शंका मत किया करो, शंका और सुबह करने से अपना घर बर्बाद होता है, अपना अपनी जाति भी बर्बाद हो जाए और अपना मजहब और धर्म भी बर्बाद होगा, और जो राज होगा शंका से सुबह से राज भी बर्बाद हो जाता। फकीर और महात्मा कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जो
किसी का नुकसान या हानि हो जाए। वो वही काम करते जो सबके फायदे लाभ का हो। ऐसा मत समझो कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का है, मेरा नाम तो है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, तो शंका क्यों की जाए। इसलिए ये उस मालिक का नाम है उसका, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। नाम कोई भी हो, किसी भी मजहब और धर्म में कोई नाम हो, जो नाम सिद्ध किया जाएगा वही लोगों को फायदा करेगा, लाभ करेगा, उनकी रूहों पर और जीवात्माओं पर वही नाम लाभदायक होगा। जो सिद्ध नहीं किया जाएगा कोई नाम हो, और रूहों को जीवात्मा को लाभ नहीं पहुंचाएगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी नाम थे अपने समय पर सच थे, वो सही थे, लेकिन अब कलयुग है, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं वही फायदा, नहीं, अब कलयुग है ये। उस सतयुग का समय त्रेता हुआ द्वापर का अलग था, कलयुग लगा हुआ। अब कलयुग का जो नाम होगा वो सबको लाभ करेगा, फायदा करेगा। तो आप लोग कुछ समझते तो हो नहीं, इसलिए आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। हिंदू बोले परमात्मा का, और मुसलमान बोले खुदा का, और ईसाई बोले गाठ का, और जितने भी सिख हैं वो सब बोले गुरु का। इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? अरे आप लोग इतने भूल गए हो, ये सूरत दिखाई देता है, ये सबका है। इस देश में नाम अलग है, दूसरे देश में जाइए सूरज का नाम अलग, तीसरे देश में अलग है, सूरज तो एक ही है। सब लोग पानी पीते हो, चाहे नदी का हो या कुएं का हो, तो पानी तो वाटर तो वो एक ही है। कि प्यास उसे उस मुल्क में किसी को नहीं लगती, आपको प्यास लगती उसको नहीं लगती। जब प्यास लगेगी तो क्या चाहिए, पानी वाटर चाहिए। इसलिए कुदरत ने जितनी भी चीजें इंसान आदमियों के लिए जो बनाई है उस सब के लिए, तो आप उसमें तिफरका भेदभाव क्यों पैदा करते हो? क्यों आप उससे हुज्जत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो? इसके माने कि बुद्धि आपकी अपने बस में नहीं, अकल आपकी ठीक नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे भाई किसी का तो सोचो, तो इसमें नुकसान क्या? हम कोई आपके ऊपर बोझा लाते, किसी पर नहीं लाते, हमारा काम ही नहीं बोझा लाते। तुम जो समझो वैसे समझाते, पर ये देखो आप बच्चे बच्चे हो, ये देश तो आपका है नहीं, ये जो सब देख रहे हो जान रह रहे हो ये परदेश है, आप यहां के नहीं हो, यहां कुछ भी आपका नहीं। आप कहते हो मेरा ये इतना बड़ा मकान मेरा, ये जमीन मेरी है, और ये मेरा सामान, ये राजपाट मेरा, ये बच्चे मेरे, मैं आपको वोट करा दूंगा कि आपका कुछ नहीं, किसी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो रैयत हो, किसी का यहाँ कुछ नहीं। तुम यहाँ के हो ही नहीं, इसलिए कहाँ के हो उसको जरा सा सुनो। तुम किस देश के रहने वाले हो? इसलिए देश नहीं, परदेश है, पराया मुल्क है, ये पराया देश आपका नहीं है। अब आप मतलब भूल गए और भरम गए, बुद्धि खराब हो गई, तो कोई क्या करेगा? जब बुद्धि खराब हो जाए
भरम जाओ जंगल में फंस जाओ अंधेरे में उसमें, तो फिर कैसे कौन निकालेगा? अब कोई अगर निकालना जाने वही तो निकालेगा, तो आप भरम गए, अपने देश का रास्ता घर का भूल गए हो, और यहाँ परदेश में ये तो मेरा है कि मेरा। तो आज जरा सा बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, पहले बच्चे बच्चियों में प्रार्थना बोलूंगा, आप भी साथ साथ बोलना, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। सत गुरु सत नाम तुम को लो पर नाम, सत गुरु सत नाम तुम को लो पर नाम, ओटन सूरज चांद सितारे, ओटन सूरज चांद सितारे, रोम में करे उजारे, रोम में करे उजारे, सत पुरुष करतार तुम को लो पर नाम, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम में करे उजारे, रोम में करे उजारे, अलक पुरुष करतार तुम को लो पर नाम, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम में करे उजारे, रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुम को लो पर नाम, नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम में करे उजारे, रोम में करे उजारे,
अनामी पुरुष करतार तुम को प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुम को प्रणाम। तुम को प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ऐसा पवित्र पाक तुम्हारा देश, जहां न कभी दिन होती है न कभी रात, न ये सूरज वहां है न चांद है न तारे, जिसके एक एक रोम में अरबों अरबों सूरज लगे हों, उससे भी ज्यादा तो उसके जिसमें शरीर में कितने रोम होंगे ये आप कभी नहीं गिन सकते हो। और रोम का समुद्र कहते नहीं बनता, सागर कहते नहीं बनता है, कितना बड़ा ये भी पैमाइश नहीं हो सकती। ऐसा तुम्हारा देश और तुम्हारा मालिक, तुम्हारा वो प्रभु, उसको छोड़कर परदेश में किसी काम के लिए आए थे, वो तो आपसे काम नहीं हुआ, वापस गए नहीं। आपसे तो कहा था कि तुम जाओ और फिर वापस हो जाना, तो यहीं के यहीं रह गए। ये तुम्हारा तो कुछ है नहीं, ये तो परदेश है, इसको मृतलोक कहते हैं। यहां तुमको नहीं मालूम कि ये अमूलक मनुष्य शरीर ये जिसमें बेशकीमती, ये दोबारा बार बार नहीं मिलता। एक बार मालिक ने आप पर मेहरबानी और दया की है और ये आपको बेशकीमती अमूलक ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद आपको दे दी, और उसने कहा कि देखो ये तुम्हारे दो काम है, एक अच्छा काम एक बुरा काम, यानी बद काम और नेक काम। तुम चाहे बद काम करो चाहे नेक के अच्छा काम करो, चाहे बुरा चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है, ना मैं किसी को आदेश देता हूँ ना मना करता हूँ। तुम जो भी कुछ करोगे वो सब अपना अपने कर्म का सबके सब फल हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व है कि सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। उसने तो आपको ये अधिकार हक आपको दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। अब जो तुम्हारा दिल चाहे, तबीयत चाहे, तुम्हारी इच्छा चाहे, तुम्हारी तमन्ना चाहे, वो कोई अच्छा काम करो, कुछ जाए किसी को मारो या गाली दो या झूठ बोलो या बेईमानी करो या दगाबाजी करो या सुनहर सीना चोरी करो या कत्ल कर दो या मतलब है कि डकैती करो, जो आप चाहो, या आप शराफत करो, या मतलब यह है कि दया करो, आप रहम करो और सबके काम आओ, मतलब यह है कि तुम मतलब यह किसी को दवा दे दो, किसी को भूखे को तुम रोटी दे दो, तुम्हारी इच्छा की बात, उसकी तरफ से कुछ नहीं। उस खुदा ने, भगवान ने तो ये कहा कि हम तुमको दोनों पूरे अधिकार देते, अच्छे बुरे काम कर देते। तो इसी सभी यानी इंसान और आदमियों को उसने इस जमीन पर सब हक दे दिया और ये कहा देखो ये मकान मेरा है, मैं तुमको इसको किराए पर भाड़े पर देता हूं और ये बेशकीमती अमूलक है, सारे संसार का धन दौलत रख दो और इस तरह से कहो कि तुम खड़े हो जाओ हम तुम पर चढ़ा देंगे, तो कोई भी नहीं खड़ा कर सकता, ऐसा अमूलक है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, न इसकी कीमत यहां है, और थोड़े दिन के लिए आपको दिया किराए पर। और ये कहा है सब लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा जो भी इंसान मनुष्य हो, कि देखो तुम अपनी रूह को अपनी जीवात्मा को इस जिस्मानी मस्जिद में मनुष्य मंदिर में जगा लो
और वापस मालिक उस प्रभु के पास जहाँ से आए उसको वापस पहुँचा दो। तो रूहों का यानी जीवात्माओं का ये मतलब ये घर थोड़ी है, इसकी जमीन तो ऊपर है। इन रूहों का जीवात्माओं का वतन और जो देश तो ऊपर है, वहाँ जब जमीन ही ऊपर है और नीचे आसमान है, लेकिन ये जो जिस्म शरीर इसकी जमीन, ये जिस्म और शरीर की ये, इसका आसमान ऊपर है, लेकिन रूहों का आसमान ऊपर नहीं है। रूहों की जमीन ऊपर है और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है, और कितनी सुंदर और खूबसूरत है उसको कौन जवान से मुख से कौन वर्णन कर सकता। तो उसने कहा, देखो नर नारी बच्चे बच्चियों, तुम मेरे इस मकान में, मैं शुद्ध पाक तुमको देता हूँ साफ, इसको गंदा मैंने नहीं दिया ये, अब इसको गंदा मत करना, अब इसमें बैठ के जल्दी से जगा लो और जगा करके जल्दी से वापस करो इसको। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खेती मत करना, दुकान मत करना, दफ्तर का काम खेती करो, दुकान का काम दफ्तर का काम करो, जो भी मेहनत करके ले आओ रुपया पैसा, उससे जितने सामान है, अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़े हैं, और है, सोना है, चांदी है, हीरा है, ये मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, तो ये सब ला करके तुम रखो और इसके काम ये, इसकी इबादत करो और अच्छा करो, ये सब सामान इसका, कपड़े भी, अनाज भी, सब्जी भी, फल भी, दूध भी, घी भी, और दवा भी, ये मकान भी और झोपड़ी भी, ये सब इसका, समझ लो आप अच्छी तरह से। तो आप अच्छी तरह से अपने इसकी इबादत और रक्षा करो और इसको ऐसा रखो कि रोग ना हो। लेकिन ये जितना भी सामान है, ये जो कुछ भी देखते हो, आपने जो बनाया, तैयार किया, सोना चांदी, ये सब कुछ मतलब ये इसका, लेकिन इसमें जो रूह और जीवात्मा बैठी है, उसमें से कुछ भी जरने भर, एक कण मात्र भी किसी का कुछ नहीं है, इसमें से उसके लिए कुछ नहीं। तो ये बताओ, तुम तो ये काम करते हैं, क्या करते रहे? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समझ गए? ये तरह तरह की जिस्मानी और तुम्हारी मतलब ये तमन्नाएं, ख्वाहिशें, जर और जमीन की, इन सब चीजों की, तो इसी में तुम लगे रह गए। तुमने मतलब यह कि अपनी रूह को और जीवात्मा को कहां जगाया? तब तक तुम्हारा वक्त और समय पूरा हो गया। मकान मालिक, उसके मकान मालिक तो अलग है, और जिसकी ये रूह है, जिसकी जीवात्मा, वो अलग है। वो जिसका ये मकान, उसकी रूह नहीं है, उसकी जीवात्मा नहीं है, तो मतलब ये है कि उसने कहा अच्छा इसमें बंद कर दो, तो उसने मकान दे करके बंद कर दिया, मैं इतना ही काम किया। जब समय पूरा हो गया तो उसने एक वारंट काट दिया, एक ये देखो ये फरिश्ते, फरिश्ते फरिश्ते सिपाही यानी जमदूत, ये ले जाओ, ये लल्लू सिंह का, करम सिंह का, और दीनानाथ का, और मोहम्मद नूर का, और बेगम आपदा का, ये तुम जाओ, समय पूरा हो गया और फौरन अभी मकान खाली करा। तो सिपाही फरिश्ते दौड़ पड़े, वो चाहे तुम आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, कहीं किसी जगह भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो यहीं से आवाज देंगे, अरे मतलब है लल्लू सिंह, ए श्यामती, तेरा समय पूरा हो गया, मालिक ने हुक्म कर दिया, तू जल्दी से तैयार हो जा। तो जैसे कि एटम बम लगता, ऐसे जोर से उसकी आवाज लगेगी, तुम अगर खड़े होगे बात करते हो, फट उलट जाओगे और जमीन पर गिर जाओगे। जितने भी लोग खड़े होंगे, भाई अभी क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी तो कोई बात नहीं थी, कोई बीमार नहीं था, और एकदम से बस एक जमीन पर गिरा, आंखें उलट गई, कान बहरे हो गए, बुद्धि पागल हो गई, जबान बंद हो गए, अब लोग कहा अरे भाई उठो उठो उठो, कुछ नहीं। उसने कहा देखो ये हुक्म हो गया, मालिक का मकान खाली कर, उसको कुछ नहीं, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, यानी रूह को, इस जित में शरीर से निकाल करके बाहर। और ये बताओ कि शरीर तो ये पड़ा, और जितना आपने जमा किया था वो सब ये पड़ा है, ये सब पड़ा, ये सब
जिसने इकट्ठा किया वो तो ये पड़ा। तो ये बताओ आप कि ये इसके काम नहीं आएगा, ये इसके काम नहीं आएगा। अब इतना नहीं समझते हो तो तुमने जीवात्मा रूह के लिए क्या किया, उसके लिए क्या कमाई की, क्या जमा किया जो रूह की हिफाजत हो, जीवात्मा की रक्षा हो, उसके लिए कौन सा धन कमाया, उसके लिए कुछ नहीं। तो जो तुमने यानी अच्छा बुरा बद नेक काम किया वो सब उसके यहाँ लिखे हुए, तो वहां हिसाब करेगा, उसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा हिसाब, वो कर देगा। वो पूछेगा कि भाई तुमको कोई फकीर महात्मा वो उतारी सकती, या तुमको कोई पीर पैगंबर नहीं मिले जिन्होंने ये नहीं बताया कि बुरा काम है, ये अच्छा काम, इसको मत करना इसको करना, तो बताइए आप क्या जवाब दोगे। तो पूछा जाएगा मोहम्मद से, मोहम्मद साहब से कि ये बताइए आप जमीन पर गए थे तो ये आपने बताया नहीं कि अच्छा बुरा ये, तो कहेंगे कि मैंने तो इनसे कहा था कि ये बदकाम है इसको मत करना, ये नेक काम है इसको करना, तो इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वहां राम से पूछा जाएगा कि जमीन पर आप गए थे तो तुमने बताया नहीं कि पाप पुण्य, तो मतलब ये हमने तो बताया था कि ये पाप है ये पुण्य है, ये पाप को बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, तो ये माने नहीं तो मैं क्या करूं इसके लिए। बाहर हुक्म सुना देगा, वो तो मजिस्ट्रेट है, जज है, और उन्होंने हुक्म सुनाया और सीधा आपको इसमें से निकाल के और कारागार में बंद कर दिया। वो जिसमें नहीं ये मनुष्य शरीर नहीं, वो मतलब है जानवर है, पशु है, पंछी है, नहीं सीधा दोजक को भेजेगा नर्क। तो बताओ तुमने क्या बचत की अपनी जीवात्मा के लिए, रूह के लिए क्या आपने बचाओ, ये तो जा रही है आप। ये जिसमें मनुष्य शरीर तो बच्चो बच्चियों बार बार नहीं मिलता, अब की बार तुमको ही दे दिया, ये दोबारा नहीं, ये तुम समझ लो। ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये बीमारी आ गई, ये झगड़ा आ गया, ये धोखा आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, ये कत्ल करने लगे, ये लूटने लगे, डकैती डालने लगे, ये बेईमानी और दगेबाजी करने के सरेआम बाजार में लिए जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं, दुकान लूट रहे हो, कारखाना लूट रहे हो, ये लूट रहे हो, दफ्तरों को तोड़ रहे हो, इसको आखिर ये क्या होगा, क्या करोगे, क्या मिला आपको, ये बताओ, ये तुम्हारा कुछ है। झूठी बात है, ये तुम्हारी अज्ञान और मतलब ये तुम भ्रम हो कि मेरा मेरा तेरा कोई नहीं, नहीं मैं बच्चा न बच्ची, जब तू पैदा हुआ था तो कुछ बच्चा बच्ची सोना चांदी कोई मकीन जान पहचान कोई सुनना बोलना कुछ लेकर के आया था, ये बच्चियां बच्चा पैदा करती, ये देखती कोई मखल पहन के आया, कोई बादशाह कोई राजा, इनसे पूछो कि मकबल कोई पैर के आया कि ये बताएगी तुमको, उधर नंगा आया था कुछ नहीं रो रहा था कर रहा था, बहुत दर्द बहुत पीड़ा उसमें चिल्ला रहा था और उसको बहुत कह रहे सुन ले न वो सुन सकता है न देख सकता है न बोल सकता न समझ सकता, वो तो पीड़ा में रो रहा। कुछ बाल बच्चे ले गया है कोई मकान लेकर के आया या राजपाट नंगा आया था, और उसके बाद जब तुम थोड़े से 5 साल के हुए सब ये याद करने लगे तो असली चीज तो तुम गए भूल, अब इसमें लग गए, इसमें ये देख रहे हो आप, फिर बता रहे हैं कि ये है ये मकान है, ये घर का सामान है, ये चीजें उसको याद करा, ये तेरा है ये मेरा ये उसका है ये ऐसा, इसमें फंस गए, अब इसमें सब में उलझ गए। तो आपने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं सीखे, और फिर जब जाने का समय हुआ तो उसने कहा कि अच्छा उसने देखना सुनना बोलना समझना ये सब हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत फारसी सब रखवा ली, यार और जोर से मारा धक्का फट पलट गया, तुम्हारा यार कुछ नहीं, तुम परदेश में अड्डा बना रहे हो, कहते मेरा और तुम पता चलेगा तुमको, कहेगा करके फट कहेगा चलो जल्दी खाली करो मकान को, तो जितना मकान वो अपना मकान खाली करा लेगा, वो कहेगा कि हमने तुमको साफ दिया था पवित्र मकान दिया था, तुमने हमारे मकान में कूड़ा कचरा क्यों तुमने भरा, हमारा मकान वैसे ही तुमको देना चाहिए था, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेते और वापस घर में पहुंचाते मेरा मकान मुझे दे, तो इसमें कूड़ा कचरा तुमने भर रखा और जीवात्मा को गंदा कर दिया, तो तुम्हारी ठुगाई बिठाई नहीं करेगा और भेज देगा उधर, कितनी सख्त सजा देता आपको क्या मालूम। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहने आया कि काम छोड़ दो,
कोई काम, कोई नौकरी, कोई दफ्तर या कोई दुकान या खेती कुछ नहीं छोड़ा। ये सब काम करो, ये अच्छी तरह से कैसे करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। जब खेती करोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे, तो फिर क्या होगा कि ईमानदारी तो मेहनत घर में भी चाहिए। अगर घर में ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो पति और पत्नी इवनी दो मिनट नहीं रह सकते, फट लड़ाई हो जाएगी। भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी, और ईमानदारी मेहनत नहीं तो समाजों में लड़ाई, और ईमानदारी मेहनत नहीं मजहब और धर्म में लड़ाई, और ईमानदारी और मेहनत नहीं होगी तो पूरे राज में लड़ाई हो जाएगी। ईमानदारी मेहनत की हर जगह जरूरत है। तो आप खेती कीजिए, दुकान दफ्तर का शाम को आइए, बच्चों की सेवा करो, और जो कुछ भी ले आओ खूब कपड़े पहनो, खाना खाओ, मकान में रहो, दवा दारू करो, और थोड़ा इसका ख्याल रखो ध्यान कि इसको जरा सा निरोगी रखो, मरीज मत बनाओ, यानी बीमार मत बनाओ, इसको जरा स्वस्थ रहे, क्योंकि यह स्वस्थ रहेगा तो इसमें जीवात्मा जाग जाएगी, रूह जगेगी, और बीमार रहेगा तो तुम इसी में रोते और परेशान रहोगे और डॉक्टर के यहां भागते भूगते रहोगे और पैसे लगाते रहोगे, समय बर्बाद करोगे, और बीमारी नहीं जाने वाली है तो थोड़ा सा इसको संयम से रखो, और करोड़ रखो, अरब रखो। बाबा जी जब आपके कहें कि तुम फेंक दो तब तुम कहना रखो अपने पास, लेकिन ये समझो कि ये अरब और खरब जो कुछ भी है ये सब सामान इसके लिए है, ये इसमें जीवात्मा के लिए एक जर्रा यानी एक कण भी उसके लिए नहीं, उसके साथ नहीं जाएगा। ये तो आप सोचो, सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं कल सोच लेना, लेकिन बात सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि समय बड़ा खराब आ रहा, बहुत बहुत समय खराब आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आपको संकेत दे दें कि भाई बड़ा समय खराब आ रहा, तो आप लोग कम से कम सब लोग हिंदू मुसलमान छोटे बड़े अमीर गरीब सब बचाव तो करेंगे कि भाई कुछ बचाव के लिए भी सोचा जाए। जब खराब समय आ रहा कोई बता रहा तो हम क्या करें, एक तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी रहो, जितने अनाज मोटे महीन, जितने भी मतलब है साग सब्जी या जितने सूखे गीले फल या घी दूध, ये आप 100 बार खाओ, लेकिन बच्चे बच्चे शाकाहारी रहो, शाकाहारी सोच लो आप, शाकाहारी रहो, यानी मतलब यह कि अशुद्ध आहार मत करो। ये इसमें से जब रूह, जब जीवात्मा इसमें से या किसी भी जिसमें से शरीर में, परिंदों के में शरीर में या जानवरों के मतलब शरीर में से निकाल दी गई, और मतलब छोटे छोटे इन कीड़ों के शरीर से निकाल दी, वो शरीर से फिर मुर्दा हो जाता है। जैसे जीवात्मा अलग रूह निकली तो ये मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया। ए बच्चों, इसका आप लोग मतलब यह आहार मत, ये अशुद्ध आहार है, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध अकल, बदअकल, उसे फिर तुम कुछ अपने लिए और अपनी रूह और खुदा के लिए कुछ सोच नहीं सकते हो। इसलिए कम से कम यानी मतलब ये साफ, जिससे कि तुम्हारी अकल ठीक हो, बुद्धि ठीक हो और उसमें समझ में आ जाए, तो कहते हैं कि ऐसा आहार करो, खाना ऐसा खाओ, ये काम करो इसमें। लेकिन बीड़ी तम्बाकू और हुक्का आप पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, आप पीजिए, मैं मना करूं बीड़ी तम्बाकू हुक्का तब कहना, लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चे अभी तक 18 साल 20 साल के हो गए और बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते, तो बच्चों तुम कभी मत पीना, ये बुरी आदत है, इनको जो पीते हो पी लेने दो, तो मत पीना कभी, लेकिन ऐसा नशा मत करो बच्चों कि तुम्हारी बुद्धि अकल पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान नहीं सकते हो। घर में बच्चे बच्चियों को, अड़ोस पड़ोस में बहू बेटियों को जब पहचान नहीं सकते हो, और मतलब यह कि जवान को काबू में, इस मुंह को काबू में नहीं रख सकते हो, तो कुछ गलत सलत ये वो जो चाहते बोलते हो, तो ऐसा समझ लो आप कि जो बुद्धि नाशक जो नशा है वो कोई रामायण में किसी ने नहीं कहा, न महात्मा कहते हैं, न गीता में आया और न कुरान में लिखा हुआ कि ऐसा नशा करूं।
दे और बच्चों को बर्बाद कर दे और बच्चियों को बर्बाद नाश कर दे। अब तुम इसको अगर नहीं समझोगे तो अभी समय आ रहा बड़ी तकलीफ का। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने सबने कोला अलकोराम देखा, अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ना आपने अर्थ की कमी देखी इसकी, अभी कुछ नहीं। अब देखो सब आमने आगे आ रहा और सब तुम चिल्लाओगे एक तरफ से, सब के सब चिल्लाएंगे, लेकिन तुम लोग जो है अच्छी मतलब की अपने हित की अपने कल्याण की फायदे की कोई भी बात सुनते नहीं हो। फिर पीछे से जब घटना हो जाती है तो तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है किसी तरह का। कोई आदमी कहते हैं कि इस गांव में बाढ़ आ जाएगी तो आप लोग मतलब ये जरा अपने सामान को छत पर रख देना, तो उसकी बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तुमने कहा अच्छा देखा जाएगा, तो नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे और जानवर भी नीचे बंधे हुए हैं, बस एक बार की बाढ़ आई मकान में घुस गई और सामान भी मतलब डूब गया, और जो बच्चा लेटा तुम अपनी जान यानी लेकर भागे, बच्चे छोड़ दिए तो बच्चे डूब गए और जानवर बंधे थे उससे पेड़ से खूटे थे वो भी मतलब रह गए, वो भी मर गए। तो तुमको बात याद आती है कि भाई ये कह तो गए थे हमने गलती कर दी, तो उस समय पर आप क्या कर सकते। इसी तरह से आपको बताया जा रहा कि आगे बड़ी मुसीबत आने वाली, ये किसी एक की बात नहीं है बच्चे, किसी मतलब ये कि तिफर्के की बात नहीं है कि इसके लिए सबके लिए। क्यों कि जो आपने कर्म किया है कोई अच्छा तो किया नहीं, कोई अच्छा बुरा काम किया, अच्छा काम तो किया नहीं इसलिए ये तकलीफ आने वाली। और मैं आपको ये सोच बता रहा हूं कि भाई कुछ मतलब यह कुछ है, आप उसके लिए बचाव करो, उसके लिए सोचो। तो आप स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां ये कोई भी मतलब ये सोचते और समझते नहीं है, और फकीर महात्मा कहते हुए चले जाते हैं, फिर बाद में इतिहास बन जाता है उसका। देखो एक बात सुना देगा, एक चंडी है, चंडी एक देवता यानी एक फरिश्ता, चंडी एक देवी है, आप तो उसको चाहे देवी कहो चाहे देवता कहो, लेकिन वो दो आंखों से न मुसलमान को दिखाई देगी न हिंदू को, किसी को दिखाई नहीं देगी इन बाहर की दोनों आंखों से। जब तुम्हारी अंदर की वो रूह की आंख खुल जाएगी, वो जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, तो चंडी वो देवता आपको उससे दिखाई देगा। तो वो एक मसाल लेकर के चार साल हुए, अब दो तीन दिन ज्यादा हो गए, तो हम बराबर लोगों को समझा रहे कि चार साल से एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार वो लेकर निकली हुई है और वो मुल्कों का दौरा कर रही है। तो जिस मुल्क में जाएगी वहां दौरा करेगी पूरे मुल्क का यानी पूरे देश का, और वहां के धन को गायब कर देगी। अब ये नोट करने वाली चीज है, मैं तो पढ़े लोगों को नोट करा रहा हूं ना, अनपढ़ों को नोट नहीं कराता हूं, तो मतलब है गायब कर देगी। तो वहां की जनता चिल्लाएगी भाई पैसा रुपया किधर चला गया, तो जितने सेठ साहूकार हैं जब धन गायब करेगी तो भी कहेंगे भाई ये रुपया पैसा किधर गया। जो वहां का नाम होगा डॉलर का या और किसी का कोई नाम होगा तो वो चिल्लाएंगे सब, तो शासन करने वाले भी वहां के चिल्लाएंगे कि भाई समझ में नहीं आए धन किधर चला गया, ये गया किधर। अच्छा उस मुल्क में उस देश में जाएगी तो वहां गायब कर देगी, फिर उस देश के लोग सब चिल्लाएंगे, सब छोटे बड़े सब शासक सब चिल्लाएंगे अमीर गरीब, और शासन करने वाले उस मुल्क जाएगी उसको उस मुल्क में जाएगी, भारत में भी आएगी घूमकर, तो यहां के धन को भी गायब कर देगी। अब मेरी बात मुझसे सुन रही है, गायब कर देगी वो, तो यहां की जनता चिल्लाने लगेगी, फिर यहां के सेठ साहूकार जो भी छोटे बड़े उद्योगपति हैं वो चिल्लाने लगेंगे, फिर जो शासन करते हैं वो चिल्लाने लगेंगे भाई समझ में नहीं आया कि किधर चला गया। फिर उसके बाद सब रेडियो और अखबार जब जनता और सेठ साहूकार शासक चिल्लाएंगे तो फिर रेडियो अखबार चिल्लाएंगे, तो जब ये सब चिल्लाने लगे एक तरफ से तब बाबा जी की बात को मान लेना, लेकिन लिख के तो रखो, लिख के तो डायरी में रखो कि आज मतलब यह है कि 31 है, मतलब यह है कि 31 तारीख है, ये 10वां महीना है, तो बाबा जी आज आपके
इस शहर में इस सुभाष इंटर कॉलेज में बोल रहे हैं, तो ये तो आप लिख करके रखोगे तो आपको बात याद रहेगी, इसलिए पहले ठहर दो। वो बहुत चलाक है, यानी वो ऐसे काम नहीं करेगी, फिर क्या करेगी आप समझ लीजिए। पहले मेरी तरफ देखिए, राष्ट्रपति और मतलब प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो वो आपस में लड़ेंगे, आपस में खट खट खट, फिर उसके बाद में क्या होगा, अच्छा इस मुल्क से लड़ जाओ, इससे हमला कर दो, तो वो हमला कर देंगे। वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो, वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो, पहले समझ लीजिए आप। तो ये बताओ, जब लड़ाई होने लगेगी एक दूसरे मुल्क से, तो क्या बच्चा ये नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा कि नहीं? यानी ये नहीं लगेगा बच्चे को? तो जब लगेगा तो वो किधर से आएगा? वो तो गायब कर देगी। आप तो पहले से चिल्ला रहे हो, तो लड़ाई में धन जो है वो अकूत खर्च होता। ये ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ या 2 अरब लग गया, वो तो कुछ पता नहीं कितना लगेगा। लड़ाई तो ऐसी होती है। तो बताइए, जब ये नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो वो देश वाला चिल्ला, बड़ी चलाक है, बड़ी औजार है वो, समझ लीजिए। वो फिर चिल्लाएगा कि हमारे अनाज नहीं रहा, वो चिल्लाएगा हमारे अनाज नहीं, वो चिल्लाएगा हमारे नहीं, कहेगा भाई तुम हमको जल्दी से उनसे मिलेगा, मतलब ये है कि जो उनके राजदूत रहेंगे, भाई तुम अपने मुल्क से मंगवा दो, तो वो भेजेंगे खबर, तो कहेंगे भाई हमारे यहां भी नहीं है। तो बताइए फिर क्या होगा? उसमें भी तो ये चाहिए कि कोई मुफ्त दे देगा। अरे उसमें भी तो ये चाहिए, धन चाहिए, तो क्या वो अनाज मुफ्त में दे देगा? कम से कम बड़ी चलाक है, बहुत होशियार है, वो ठिकाने लगा देगी। अभी आप समझ नहीं रहे, बड़ी बड़ी आगे तकलीफ आने वाली। इसलिए आप लोग दिन में करो काम, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी के साथ जो भी करते, शाम को आओ, अपने अपने बच्चों की सेवा करो। तुमने बहुत गलती की है, इसमें दो बात नहीं है, जरा भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब से आपको 47 से आपको मतलब ये 48 में यानी राज मिला था, तो आपको सबको उपदेश करना चाहिए था, सब लोगों को, देखो भाई भारत आजाद हो गया, ये कारखाने आपके, ये दुकानें आपकी हैं, ये दफ्तर आपके हैं, ये रेलें आपकी हैं, ये बसें आपकी हैं, और ये स्कूल आपके हैं, और ये खेत आपके हैं, ये फसल आपकी है, और सब आपके काम आएगी, और सब आपके जरूरत पर काम आती है। इनमें राष्ट्रीयता, इसमें मानवता, इसमें मतलब यह है कि अपनी व्यवस्था का भाव अगर भर देते और इनको बोध करा देते कि हमारा दायित्व हमारा कर्तव्य है, तो जितनी तुम मेहनत करते और की थी उसकी सबकी बचत हो जाती। तो लोगों ने किया है, बच्चों है, दफ्तर वालों और है, कारखाने वालों है, मजदूर वालों, आप चले जाओ जल्दी, रेल तोड़ दो, बस तोड़ दो, दफ्तर को जला दो, स्कूल जलाओ, बच्चों को मार दो, कारखाने जला डालो, दुकानें जला डालो। ये शोरगुल मचा, 47 साल हो गए, क्षमा करना। ये बताओ फायदा क्या हुआ? ये मुझे बताइए, कितनी हिंसा देश में हुई? अब ये सोचने की बात है, छोटी मोटी हिंसा नहीं हुई, कितना नुकसान हुआ? तो आपने जितनी आमदनी, जितनी कारखाने में, दुकान में, रेल में, तुमने खेती में जितनी भी आमदनी आपने की है, उसको तो दफना दिया, यानी भस्म कर दिया, राख कर दिया। अब चिल्ला रहे हो तो भगे ये लोग सब, कह लगे भाई हमारा देश गरीब है, भारतवर्ष है, और आप लोग जो है हमारे देश के लिए कर्जा दे दो। तो मतलब ये विदेशों से कर्जा मांग ले आए, कितना ले आए? तो तुमको किसी से पूछा जाए, तुम में से कोई नहीं बता सकता, जितने बैठे हो इनमें से कोई नहीं बता सकता कितना कर्जा आया। और मैं एमएलए एमपीओ से पूछता हूँ भाई कितना ले आए, तो भी नहीं बता सकते, तो कितना कर्जा आया ये नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि तुम उस कर्जे को दे नहीं सकते हो, ब्याज भी देने के लिए तुम तैयार नहीं, वो भी नहीं दे पाते हो, तो कर्जा देना मुश्किल है। तो आपने देखा अब कहाँ लगा, ये तो आप जानो, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो मतलब की बात करूंगा कि जब पैसा नहीं रहा तो आप फिर भगे, तो जाकर के बाहर हाथ जोड़ा, कहे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, सरकारों से, कि हमारा देश गरीब है और ऐसा करो आप कि अभी मतलब हमने तो कर्जा नहीं दे पाया, लेकिन ऐसा करो कि आप अपने उद्योगपति सेठ साहूकारों को भेजो कि यहां से पैसा ले सके,
ले चले हमारे देश में और हम उनको सुविधा दे देंगे, पूंजी का विस्तार कर दो, पूंजी निवेश कर दो, चमक आ जाए। तो हमने चार सालों से बराबर प्रार्थना की कि देखो भाई, विदेशियों का यहां पूंजी विस्तार निवेश करने का योग नहीं है, मूर्त नहीं है, आप लोग इनको रोक दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये बाबा जी की सबसे प्रार्थना है कि इसको रोक दो अभी नहीं। और ये भी कहा कि तुम लोग भी बाहर अपनी पूंजी का विस्तार मत करना, बाहर देशों में तुम्हारा नुकसान वहां हो जाएगा और उनका नुकसान यहां होगा। लेकिन उन्होंने कहा जो हमारा भारत में पूंजी निवेश में नुकसान होगा वो भारत के लोगों को देना पड़ेगा। ये आपका आप समझौता या लिखा पड़ी हुई है जमान, ये तो आप जानो। लेकिन कहा आपने यही है कि हम उसका नुकसान देंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा तो बताओ कौन देगा? उस बाहर की पूंजी का नुकसान होगा तो ये देगा कौन? असल में सब एमएलए चले जाएं, सब एमपी हट जाएं, तो उनमें से कोई दे देगा? ये सब इनको देना पड़ेगा। ये गरीब जो ये जमीन में अनाज पैदा करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा ये है। तो ऐसा करो कम से कम सबका भला हो, क्यों नहीं किसी की बात को सुनते हो? वो तो सबकी बात, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबकी बात, राजा रैयत की सबकी बात करते हैं, सबका भला हो भाई, तुम्हारा शासन चले और जनता ठीक रहे और कर्मचारी अधिकारी अपना काम करें, दुकानदार अपना काम करें, वो तो सबका भला चाहते हैं और सब सुखी रहेंगे तो भी सुखी, नहीं तुम घेर करके चिल्लाओगे काम को बड़े करते। बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो तो मैं रोज सुनता हूं, इसलिए मैं कांपता रहता हूं, तो तुम्हें बताना तो जरूरी है। तो पहले समझ लो इस बात को बड़े ध्यान से, ठहर जाओ। क्या तुमने अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचा, ये 2 अरब की मानव मंडी है, ये भारतवर्ष की आबादी 2 अरब की है, 2 अरब की, उससे कम नहीं। ऊपरी गिनती में गिनती गिनोगे तो ऊपरी निकलेगी नीचे नहीं, तो 2 अरब की मानव मंडी, तो ये मतलब है सब लोग चाहते हैं कि चलो भारत में चलें और वहां अपना सामान बेचे चल गए, तो वो आएंगे आए। तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने यहां आए, देखा इस कारखाने में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लोहा क्या बनता है, कपड़ा क्या बनता है, ये क्या मशीनरी क्या बनती है, ये सबका नक्शा बना के ले गए वहां ले गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका दाम हिंदुस्तान में कितना है, 400 रूपये। उन्होंने उसी चीज को बनाया तो बहुत सुंदर और मजबूत, और 400 रूपये उन्होंने 50 रूपये दाम रखा। नहीं मुनाफा लेंगे, नहीं लेंगे, थोड़े दिन बड़े चलाक है। तो उन्होंने सामान बना करके फेंक दिया इस मंडी में, तो तुमने देखा भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है और मतलब बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है, और कितने दाम का कह ले? 50 रूपये का। तो लोग कह लेंगे 2000 रूपये लेते जाओ, हमारे लिए ले आना, हमारे लिए 10 सामान ले आओ, 20 सामान ले आओ। तो मतलब इधर उधर से लेने लगे। तो ये जितना सामान आपका दुकानों पर रखा है, कारखानों का बना हुआ, ये बच्चों जब तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा ए दुकानदारों, तो तुम उस सामान को जो कारखाने बन रहा फिर और नहीं मंगवाओगे और नहीं आएगा, क्योंकि जब ये बिकेगा नहीं तो क्यों मंगवाओगे? तो उनका वहां गोदाम जमा हो जाएगा, तो उनके लिए तो मजदूरी चाहिए, उन मजदूरों को, क्लर्कों, मैनेजरों को ये चाहिए। तो जब सामान नहीं उठेगा तो मजदूरी किधर से आएगी? तो कारखाने बच्चे बच्चियों स्वाभाविक बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब वो घर बैठ जाएंगे तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल हैं देश में? कभी आपने गिनती कभी सोची है? कभी आपने कभी देखा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में सारे देश के अंदर? तो ये बताइए कि वो घर बैठ जाएंगे तो मतलब उन्हीं की नौकरी छूट गई, मैनेजर और मतलब क्लर्कों की और मजदूरों की। तो अभी बताइए कि आपको इन बच्चे पढ़ते हैं, इनको काम किधर मिलेगा? ये बताइए, अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये मेरे मतलब की है, इनके मतलब की नहीं है, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं सर जो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने सेठ साहूकारों को हिंदुस्तान के बुलाकर के सामने उनसे बात करो कि हम तुमको सुविधा देंगे पूरी, और तुम ये बताओ कि कहीं से धन ले आओगे? पूछा नहीं जाएगा, हम उसकी सुविधा दे देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं, जो पीछे देते हो उसी को देते रहो।
लेकिन नया ले आओगे तो उस पर न पूछताछ होगी और न इनकम टैक्स न सेल टैक्स लगेगा और तुम एक साल पौने दो साल में छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। तुमको सबको क्या करना होगा, इस देसी तमाम उद्योगपति छोटे बड़े सेठ साहूकारों को जितने लड़के स्कूल में पढ़ते हैं उनको काम नौकरी दे दीजिए। आप भारत की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा और जनशक्ति का ऐसा उपयोग होगा, भारत का जो बच्चा है जो छात्र है इतना वैज्ञानिक है कि अगर आप इसको सुविधा दे दीजिए तो विश्व में ऐसा विज्ञान यानी भारत में जो आपके सामने आ जाए वो विश्व में नहीं आ सकता। लेकिन आप धोखा खा रहे, इतने लोभी इतने लालची कि मैं आपको क्या बताऊं, ये बाहर के लोग आ जाएंगे चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे तो भारत का आदमी बड़ा लालची है, क्या करेंगे वो बड़ी बड़ी पोस्ट की पोस्ट के लोगों को फौरन अपने पैसे से खरीद लेंगे, ये अपने बस में हो जाएंगे तो भारत फिर गुलाम कर देगी। तुमको ये समझ में नहीं आता है, चले आइए चले आइए चले आइए। खैर वो तो तुम्हारी मर्जी है, हमको तो तुमको सुझाना संकेत दे देना भाई घटना कुछ होने जा रही है, फिर पीछे से तुम धोखा खाओगे गड्ढे में गिर जाओगे फिर संभाले बात संभलती नहीं है, इसलिए पहले से चेत जाग जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आंदोलन हड़ताल मत करो, तोड़फोड़ मत करो, दफ्तर कारखाने मत जलाओ, दुकानें मत बंद करो, ये काम करने का अमानवीय काम है और देश का अपना नुकसान है, तो आपने नुकसान किया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तभी तो सब महंगाई हो गई। अभी तुमने महंगाई क्या देखी है, न तुमने अनाज की महंगाई न तेल की महंगाई न इसकी महंगाई न कपड़ों की महंगाई न अपने लोहा लक्कड़ की महंगाई तो आपको आगे दिखाई देगी, तब बताओ फिर क्या होगा। अब हम मतलब की बात तुम्हारी, इसलिए हम तो दूसरी बात कहने आए थे कि भाई तुमको जरा सा बताएंगे लेकिन तुम्हारे अंदर जब कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो सुझाव यानी कुछ को कम से कम संकेत और जानकारी तो दे दें, नहीं तो मतलब है वही भरा रह जाएगा। ऐसा नहीं, तुम्हारा देश नहीं है ये परदेश है, या कोई नहीं रह सकता, अरे मृतलोक है, ये तो मौत का स्थान है, यहां कोई रह नहीं सकता, तो इससे ये जितने आदमी रहते सबको मार के तुमको कुछ मिल जाएगा, ये बताओ इनको सबको मार दीजिए तो आपको कुछ मिलेगा, इन सब मकान खाली हो जाएंगे तो आप इसमें रहोगे जितने कपड़े सब कपड़ों को आप पहनोगे, अरे भाई तुम्हारा मनुष्य का ये काम है कि भाई सबकी हिफाजत करो, इस मनुष्य सृष्टि में जो क्षणिक उल्लास आनंद वो तो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम, एक दूसरे का काम आओ, जरूरत उसकी जरूरत को पूरा कर दो हर तरह से, बीमारी में काम, इसमें काम, उसमें काम, गरीबी में काम, खेती में काम, दफ्तर में, तब तो मतलब है आनंद है, और तुम चाहते हो हम सबको काट डाले, हे बच्चा ऐसे कुछ नहीं, ये तो महात्मा फकीरों की विद्या थी, ये तो हमेशा भारत में रहेगी, ये अध्यात्म बात को कोई मेट नहीं सकता, कोई भी आ जाए ऐसे तलवार लेकर खड़ा रहे कि हम सबको काट देंगे, पेड़ पालो एक भी नहीं रहेंगे, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, आपको मालूम नहीं है, इसलिए समय अच्छा नहीं, समय बहुत ही खराब है और आप लोग सब सावधान होकर के चलो, अभी विचार करो तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप इस जीवात्मा के लिए चलते चलाते अब बहुत समय तो आपका निकल गया, थोड़ा रह गया, अब इसके लिए क्या है, मान लो 40 साल की उम्र है 50 की है तो 49 खत्म हो गए साल भर में चले जाओगे आप, बताओ उसके लिए क्या इंतजाम, जीवात्मा के लिए क्या, बचत के लिए क्या, उसकी हिफाजत रक्षा के लिए आपने सामान क्या, कि तुमने खुदाई रूहों का खजाना तुमने जमा किया होता तो आज उसके काम आ जाता, तो उसमें से कुछ आपने किया नहीं, आपने तो इबादत की जिस्मानी ख्वाहिशों की इबादत, इसलिए वो इबादत कबूल ही नहीं है, रूहानी इबादत तो आपने की नहीं, इसलिए तुमने शरीर से ये पूजा पाठ ये वो ये सब तुमने वासनाओं का किया कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, मकान मिल जाए, सोना ये मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये तमाम इसके लिए, तुमने आत्मा के लिए कुछ किया, वो तो कुछ धन जमा नहीं किया, ये बताओ आपका है ये कुछ परदेश है, सब धोखा खा जाओ, सब रोए, एक भी आदमी बगैर यानी रोए हुए कोई जा नहीं सकता, सबको रोना, इसलिए अपनी जीवात्मा को जगाओ
और जब जाग जाए और अंदर में वो नूर और वो प्रकाश, अंदर में आसमानी आवाज यानी अंदर में देववाणी जब इसको प्राप्त करे, तब देखो इसके चेहरे पर क्या है, वो खुशी का ये समुद्र टपकता है खुशी का। ऐसा मतलब ये तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है। अरे वो खुदा यानी खजाने का वो समुद्र है और तुम उसको दरवाजे पर बैठ करके और तुम उससे दूर चले जा रहे भगे हुए। तो अब मेरी बात सुनो बच्चे बच्चियों, अब मैं तुमको सही बात बता दूं। ये मनुष्य शरीर है जिसमें देखो इधर ये जीवात्मा ये रूह देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में दरमियान में ये यहां पर बैठी हुई है। ये इधर नहीं है, ना इधर है, ना इस तरफ है, ना ये यहां है, ना ये नाभि में है, ना नीचे की तरफ है। इधर देखो ये डंडा है, ये आकाश का डंडा, इसकी सीमा यहां तक है। इधर देखो यहां, इसके आगे ये दो आंखों का ये आकाश, ये दो कानों का और दो नाक का ये रूह है। ये जीवात्मा बैठी उस रूह में, उस जीवात्मा में अंदर वो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, वो शिष्ट है। एक आंख शरीर में दो आंखें, जिसमें दो आंखें, कितनी आंख हो गई बोलो, कितनी आंख, जोर से बोलो, तीन आंखें हो गई। इधर देखो ये जीवात्मा ये रूह बैठी हुई है, ये उसमें एक कान, उस रूह में जीवात्मा में एक कान और शरीर जिसमें दो कान, कितने हुए, तीन कान हो गए। इधर देखो मेरी तरफ गौर से ध्यान से, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में रूह में एक नाक है और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई। तब ये बताओ तुमको किसी ने बताया तीन आंखें तीन कान तीन नाक, ये तुम्हारे जिसमें इसमें तो दो आंख दो कान दो नाक शरीर में, ये तो बाहर से सुनते देखते हैं, ये इसी आकाश के अंदर और वो जो कुछ भी दुर्गंध और सुगंध होगी उसको नाक चूमेगी, लेकिन जीवात्मा की आंख और कान और नाक ये इस आकाश के ऊपर। तो तुम्हारा तो दिल ये हुआ, इस आकाश के ऊपर दिल तुम्हारा हृदय, यानी नीचे इधर नहीं है, इस डंडे के नीचे इधर तुम्हारा दिल या हृदय इधर नहीं है, ये जीवात्मा का हृदय और ये रूह का दिल इस आकाश के ऊपर है। और वो आकाश कितना बड़ा है, जितना ये सारा संसार उससे ज्यादा बड़ा ये आकाश है, ये जहां रूह बैठी हुई है। अगर इसको तुम जगा लो इस मनुष्य रूपी जिसमें मंदिर में इस जितमानी मस्जिद में, तो ये जाग जाए और खड़ी हो जाए और अपने प्रकाश को समेट करके यहां ले आए, तो इतना इसमें रोशनी इतना प्रकाश सूरज में नहीं है। तुम ऐसी दरवाजे पर बैठे हुए और तुम खुदा को नहीं देख सके, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। ऐ इंद्रो तुम दरवाजे पर बैठे हो परमात्मा का, यानी साक्षात्कार यानी स्वर्ग और वैकुंठ में दरवाजे पर उसके बैठे हुए बैठ के, और तुम बैठ में नहीं जा सके, तुम स्वर्ग और वैकुंठ में और दरवाजा छोड़ के नीचे चले जा रहे हो, नीचे दोजख में और चारों खानों में, तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की, ऐसी जिंदगी किस काम में आई। चले गए आप, वो छोड़ देगा माफ कर देगा, इसलिए मैं कुछ आपको बताना देना चाहता हूं। बेशकीमती अमोलक चीज, जब वो मालिक खुश होता है प्रसन्न होता है तो फकीरों और महात्माओं को आदेश देता, हुक्म देता है कि जाओ इन जिस्मानी रूहों पर यानी मनुष्य आत्माओं पर तुम उस आत्मधन की वर्षा कर दो जिसके इनका कल्याण हो जाए। तो आप लोग अमूलक चीज लो, और बाकी मैं तो ये कहने नहीं आया कि तुमको घर छोड़ना है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ना है, तुमको कपड़े छोड़ना, ये तो मुझे उपदेश करना नहीं है क्या, तुमको दफ्तर छोड़ देना, मुझे तो ये उपदेश करना है कि घर बार कभी छोड़ करके मत जाइएगा। साधु घर से बाहर हो गए तो तुमको भगवान खुदा कभी नहीं मिलेगा, घर ही में रह करके मिलेगा। 23 घंटे तो देव शरीर के लिए इस जिम के लिए मेहनत करो, इसके लिए सामान इकट्ठा करो स्कूल से, और 1 घंटा यानी अपनी जीवात्मा को रूह को जगाने के लिए जिससे कि हम मालिक के पास पहुंच जाए। अब इतना भी अगर तुम नहीं दे सकते हो तो बोलो क्या करोगे, क्या होगा। अरे रूहानी इबादत करो, आत्मिक सच्चा भजन करो भगवान का, तो सामने होगा। तुमने निरामाट पढ़ी,
मुंहदेव नैन, मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और मेरी आंख खुल गई। मुंहदेव नैन, मैंने आंखें बंद की, तिरसत में भयो, मेरी आंख जब अंदर की खुली तो देखता हूं मोह बिलोक राम मुस्काए, यानी खुदा का दीदार हो रहा, भगवान का साक्षात्कार। गोस्वामी जी रामायण में जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है वो जब खुल गया वो तो उससे वो दीदार दर्शन करते। तो क्या रामायण झूठी है क्या? अरे भाई उन्होंने तो आंख से देखा, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुमने तो खाली पढ़ा कुरान देखी है। तुमको मालूम कुरान में क्या लिखा? रूहों पर रहम करो, तुमने रहम किया? वो कहते हैं रूहों पर, सब में रूहे, सब जहान में ये जितने भी हैं सब में रूहे खुदा की, उसका नूर है। ये तो अपना अपना कसूर है, इसलिए जेल खाने में बंद किया गया। अगर तुमने सजा की है तो तुमको जेल खाने में बंद किया, तुम्हें रूह नहीं है? जो जेल में रहते हैं उनमें रूह नहीं, तुम यहां रहते हो उन्हीं में रूह है, सब में रूह खुदा की। कहते हैं रहम करो, यानी सब जीवात्माओं पर सब पर दया करो। तो क्या है दया? रहम, सत्य, सेवा, आदर, सत्कार, समझ लो इसको अच्छी तरह से, एक दूसरे का मान सम्मान, ये क्या था? मनुष्य के गुण थे, ये मनुष्य का मानव धर्म था, ये मानव गुण थे। अगर इसको बरकरार आप ज्यों का त्यों अपने पास रखते तो आज आत्मा जल्दी जाग जाती, क्या देर लगती। लेकिन काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार और गाली और गलौज और झूठ और बेईमानी और धोखा और दगाबाजी और सीने जोरी और फिर उसके बाद में चोरी डकैती और झूठे मुकदमे और झूठी कमाई, हे बच्चों ये क्या चीज है? मनुष्य के गुण है, ये सब अवगुण तुमने अपने में भर लिए, तो बताओ तुम्हारा तो ये शरीर नाश हो जाए क्या? अब इसमें विखात पैदा हो गए, ये सब बैठे हुए सब बीमार है। क्या आप कोई अच्छे हो? सब में रोग लगा, रोग रोग लगा। इसलिए तुमको चाहिए था कि सद्गुण मनुष्य के गुण आते, मानव धर्म आता तो आध्यात्मिक धर्म प्राप्त कर लेते तो भगवान मिल जाता जल्दी से। जब मन, बुद्धि और चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल, तो कहते निर्मल जन सोमो पावे, जो निर्मल हो जाएगा मुझको प्राप्त कर लेगा। तो कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए, और दूसरा कोई युग नहीं है, कोई सदी नहीं है, यही सबसे अच्छा। लेकिन आपको फकीर, कामिल फकीर, कामिल नहीं बाहर के पढ़े लिखे नहीं, कामिल फकीर जिन्होंने रूह को जगाया और खुदा का दीदार करते उनके पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और अपना ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खोलकर जो उधर उससे मिलते हैं, ऐसे किसी महापुरुष के पास आपको जाना है और वहां जाकर आप अपना काम कराओ। तो आपने तो कुछ नहीं किया, इसलिए मैं अमोलक चीज दूंगा, उसको ले लीजिए। मेरे यहां तो कोई भेदभाव की बात नहीं है, मैं तो इंसान आदमी समझता हूं, उनमें मालिक की ये चेतन शक्ति है, जीवात्मा उसका नूर है, इसमें उसका प्रकाश है, वो तो चेतन है। अब जड़ में आकर के फंस गई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, उस चेतन की इस पांच तत्व में यानी ग्रंथि पड़ गई, बंध गई, बंध गई उसमें, तो फिर बताओ कैसे खुलेगी? अब बिना महात्मा के कैसे खुल जाएगी? वो तो कूड़ा कचरा ये पहाड़ों की तरह से, यानी आपने इसको जमा कर लिया तो तुम्हारी अंदर की आंख कान बंद हो गए, अब तो सुनाई और दिखाई कैसे देगा? बाहर की आंख और कान बंद हो जाए तो बाहर से न देख सकते हो न सुन सकते हो, तो जीवात्मा की आंख रूह की बंद हो गई और कान भी बंद हो गए, आत्मी आवाज यानी कलमा आए थे कैसे सुनोगे, कैसे देववाणी सुनोगे आप? अखंड कीर्तन हो रहा 24 घंटे और तुम्हारे पास तक आवाज आ रही है, तू बहरा है, अंधा है, अगर कान तेरे खुल जाए तो सुनने लगे आप। तो बिना महात्माओं के, महापुरुषों के बच्चा ये काम नहीं हो सकता, चाहे जितना जोर तोड़ लगा लो कुछ नहीं। इसलिए हम बोला ठीक ले लो, अब चलो जल्दी में। जो जो देखो ये है नामदान, ये रूहों को खुदाई खजाना, यानी जीवात्माओं को आत्मिक धन, इसको धन को ले लो, इसको कहते हैं नामदान। ए बच्चे ए हट जाओ, ये बीच में मत उतार लो, ये मना करना तुम लोग कहां गए?
फोटो नहीं लेके मना करना, इस वक्त फोटो नहीं, आप इसको बंद करके रखो, नामदान ले लो अमोलक, अमोलक नामदान ले लीजिए आप, ये नामदान है। सर्वोपरि दान इससे बढ़ करके कोई दान नहीं, हीरा जवाहरात सोना चांदी राजपाट इसके सामने कुछ नहीं, तो अमोलक चीज लीजिए, ऐसा अवसर मिल जाएगा, ये समय आपको मिलेगा नहीं। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, पहले मैं हिंदी में बोलूंगा बाद में उर्दू में समझा दूंगा, घबराने की किसी को कोई बात नहीं है, उर्दू में भी समझ लो और हिंदी में भी समझ लो, लेकिन जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा सब लोग शुद्ध यानी साफ बोलना, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओ, लेकिन सबकी बच्चे बच्चियों सबकी आवाज निकलेगी, बैठ जाओ बच्चे, यहीं बैठ जाओ इसी जगह, सबकी आवाज निकलेगी मुंह से, सब लोग मुंह से निकालना, ऐसे नहीं कि अंदर अंदर बोलो, जब अंदर अंदर बोलोगे तो फिर क्या समझ में आएगा कि शुद्ध